सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सर्ग में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे जब भगवान कृष्ण जन्म हुए नंद बाबा मथुरा में कंस को कर देने के लिए गए थे, लेकिन कर दे करके जब वापस आए तब उन्होंने सुना ये पुतना आ गई थी और कृष्ण को पकड़ करके घर से बाहर ले गई। नंद बाबा ने बोले देखो कोई एरे गेरे व्यक्ति आए तो अंदर में घुसने मत किया करना। उन्होंने बड़ा कड़क उन्होंने पहरा कर लगा दिया। इतने में श्री शंकर जी को भोले बाबा को जो पता चला मेरे प्रभु अभी गोकुल में ये बाल गोपाल रूप में जन्म हुए हैं, तब श्री शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए गोकुल में पहुंचे। कहते शंकर जी का श्रृंगार क्या है, कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन इस शंकर जी का नाम तो सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन अब ऊपर से देखना शंकर जी का जो वेश है ना बड़ा अपवित्र है। शंकर जी शरीर में कोई पाउडर स्नो कोई क्रीम नहीं लगाते हैं, वो बभूति लगाते हैं। बोले कहाँ के बभूति लगाते हैं, बोले शमशान की बभूति लगाते हैं। क्यों, बोले दुनिया को शंकर जी शिक्षा देते हैं भैया जिस शरीर को तुम इतना प्रेम करते हो ये शरीर का जो परिणाम है वो दो मुठी रात है। इसलिए शंकर जी के गले में हड्डी की माला है। कहते शरीर का जो परिणाम है दो टुकड़े हड्डी और कुछ नहीं। शंकर जी के सर में कौन सा फूल चढ़ाते हैं, बोले धतूरे और आकंद का पुष्प। कोई बेली चमेली जूई मालती कोई अच्छे कोई पुष्प शंकर जी को नहीं चढ़ता है। जंगल में अपने आप जो हो जाए वह फूल को शंकर जी ग्रहण करते हैं। बोले क्यों, बोले जितने अच्छे अच्छे फूल है मेरे प्रभु श्री बांके बिहार जी की सेवा में लगनी चाहिए, मेरे प्रभु की सेवा में लगनी चाहिए। जंगल में अपने आप जो फूल हो जाता है वह चीज को मैं ग्रहण करूंगा। शंकर जी की अलंकार क्या है, कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात शंकर जी धारण नहीं करते हैं। शंकर जी के सारे शरीर में देखना अलंकार में तो सर्प है सांप है। कहते ये सांप कौन है, बोले ये श्री उनको गुरु जी श्री अनंत देव है। शंकर जी शिक्षा देते हैं अगर शरीर का अलंकार धारण करना तो गुरु जी की उपदेश को ही अपना जीवन में अलंकार रूप में धारण करो। इसलिए शंकर जी ये परम वैष्णव शंकर जी जो वैष्णव हो लोग होते हैं वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए शंकर जी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को छुपाने के लिए, लेकिन ये शंकर जी छुपा नहीं पाए। बोले क्यों, बोले शंकर जी को पास में सबसे बड़ा पवित्र वस्तु श्री भोले बाबा को पास है। हम लोग को बताओ तो सबसे कौन सा पवित्र वस्तु शंकर जी को पास है, बोलो। कहते हैं उनको जटा में श्री पतित पावन श्री गंगा है। बोले श्री गंगा मैया की, इसलिए शंकर जी की जटा में श्री पतित पावन श्री गंगा देवी है। इसलिए शंकर जी जब ये सब भूषण को धारण करते हुए आए, अभी वहां पर एक पहरादार था। शंकर जी ने कहा मैंने सुना है नंद बाबा के मैया जसोदा के लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरे कहा भयो है, बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले ये पुतना बड़े सुंदर सज्जज करके आई थी, लेकिन क्या निकली, वो निकली वो राक्षस निकली।
और तू तो देखने में बेहस लग रहे हो, तेरे को देख करके तो मेरा जी ही घबरा रहा है। तो उन्होंने जाकर के मैया जसोदा को बोली, बोले मैया जसोदा कहाँ से एक बाबा आया है, वो कहता है लाला को दर्शन करा दो। इतने में मैया जसोदा आई और शंकर जी को देख कर तो डर गया। बोले बाबा क्या चाहिए? बोले मैंने सुना तुम्हारी घर में कि लाला भयो है। बोले मेरे घर में लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है? बोले एक बार लाला को दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो बड़ी सुंदर सज करके आई थी, निकली राक्षसी, और तू तो देखने में वैसे ही लग रहे हो, तेरे को देख करके मेरा जी घबरा रहा है। बोले लाला का दर्शन नहीं होएगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो चाहते हो लो और अपना रास्ता को देखो। मैया तो लेकर के लाला को घर में छुपा दी। इतने में शंकर जी वहीं पर उन्होंने त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए। बोले जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे यहाँ से मैं हटने वाला नहीं। इतने में शंकर जी भगवान को स्मरण करने लगे। बोले हे प्रभु आपके सारे अवतार हमने देखा है, लेकिन आपका ये बाल गोपाल स्वरूप मैंने दर्शन नहीं की, मेरे एक झलक दर्शन करा दे, बड़े दूर से आया है। इतने में कृष्ण शंकर जी को दर्शन देने के लिए बड़ी जोर जोर से रोए। मैया जितने थप थप लगाए उतना जोर जोर से रोए, पूरा परिवार दंग रह गए। बोले आज लाला को क्या हो गया, रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है? एक गोपी ने कहा मैया वो जो बाबा आया है ना, वो त्रिशूल गाड़ कर कोने पर बैठा हुआ है और आंख बंद करके लगता है तेरे लाला के ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है। इतने में मैया जसोदा ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, गले में काला धागा बांध करके लाला के ऊपर कोई नजर नहीं लग जाए, बड़े कष्ट से कृष्ण को ला करके उन्होंने एक झलक दर्शन करा दी। दर्शन करते ही शंकर जो रो रहे थे ना, कृष्ण जो रो रहे थे, बड़े जोर जोर से खिलखिला करके हंसने लग गए। शंकर जी जो हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू कर दिया। मैया तो समझ गई ये बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का रोना लेकर के लाला को अपना हंसना दे दिया। अगर माताओं को पता चले ये बाबा कुछ जादू रोना जानता है और कुछ वो हाथ देखना जानता है तो ना गिर जाते। बोले बाबा मेरे हाथ थोड़ा देख ले, बाबा बताओ मेरा भविष्य क्या है। इतने में मैया ने कहा बाबा लगता है तू कुछ जादू टोना जानते हो। बोले और क्या? बोले मेरे लाला को ऊपर में बड़े जल्दी जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय क्या है? बोले मैया अगर एक काम करोगे ना तेरे लाला के ऊपर कभी नजर नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जब जब तुम अपना लाला को स्नान कराओगे वो स्नान का जल ला करके मेरे सर पर डाल दो, क्योंकि शंकर जी के सर के ऊपर गंगा पति पावनी गंगा, ये भगवान की वामन देव के चरणामृत है, इसलिए शंकर जी को सबसे प्यारा है ठाकुर जी की चरणामृत है। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले और ये काम करोगे तेरे लाला के ऊपर कोई नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले तुम्हारी लाला का जब भोजन कराओगे वो भोजन में जो बच जाएगा उसको ला करके मेरे को दे देना, क्योंकि जब भगवान कोई चीज को ग्रहण करते हैं वो प्रसाद है, लेकिन उसी प्रसाद को जब भगवान की कोई भक्त ग्रहण करता है वो प्रसाद नहीं, वो महा महा प्रसाद हो जाता है। इसलिए अभी भी आप अभी नंदगांव में कभी जाओ देखोगे वहां पर एक जोगिया कुंड है, अभी भी शंकर जी जोगी बन करके अभी भी बैठे हुए वहीं पर शंकर जी। जब आप पर्वतों के ऊपर में जाओगे देखोगे वहां पर श्री नंदीश्वर महादेव है। ठाकुर जी को स्नान जब कराते हैं सीधा वो चरणामृत ला करके शंकर जी के सर पर डालते हैं, और ठाकुर जी को जो भोग लगता है वो सीधा श्री भोले बाबा के पास में आता है। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं कोई भी वस्तु डायरेक्ट किसी देवा देवी को नहीं लगानी चाहिए, सबसे पहले बांके बिहारी को लगाओ, नहीं तो भगवान राम को लगाओ, फिर वो प्रसाद ला करके शंकर जी को हो, माँ देवी को हो, हनुमान जी को हो, गणेश जी को हो, तभी तो। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं
लड्डू लेकर के ना हनुमान के मुंह में ठोसते हैं, बोले हनुमान जी खाओ। अरे क्या हनुमान जी भूते हैं तुम्हारे लड्डू खाएंगे? हनुमान जी जब तक प्रभु राम को भोग नहीं लग जाए, जब तक माता जानकी को कोई चीज भोग नहीं लगे ना, हनुमान की एक मन क्या 100 मन भी लड्डू भोग लगाओ, हनुमान उस तरफ में देखेंगे भी नहीं उस तरफ में। क्योंकि हनुमान जी भगवान की, भगवान राम की भक्त हैं। इसलिए शंकर जी कौन है? कहते वैष्णव नाम जथा संभोग। यही शंकर ही हनुमान बन करके आए। ये सबसे बड़े भगवान की प्रिय भक्त श्री भोले बाबा है। माता जी कौन है? बोले ये वैष्णवी है, ये वैष्णवी माता जी है। इसलिए सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगे, फिर वो प्रसाद किसी देवा देवी को दो, बड़े प्रसन्न होकर के ग्रहण करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अभी कृष्ण जब धीरे धीरे बड़े हुए, बोले कितने बड़े हो गए, एक दिन हठात कृष्ण करवट ले लिया। मैया को बड़ा खुश हुई, मेरे लाला का शरीर में ताकत आ गया, आज करवट लिए, आज हम अपना घर में लाला की करवट लेने का हम उत्सव मनाएंगे। मैया ने सारे ब्रज गोपियों को नौता दे दी, अपना आंगन को साफ सुथरा करके जितने दूध दही मक्खन उन्होंने दूर एक बैलगाड़ी के ऊपर रख दी और कन्या को स्नान करा के उसको नीचे ले जाएगी। क्यों? अभी गोपियां आएगी, भजन गाएगी, हैं? लाला का कच्चा नींद टूट जाएगा तो अभी लाला को संभालू ना, ये गोपियों को कुछ संभालू। इसलिए वहाँ लाला को सुला करके अभी आंगन में सब ब्रज गोपियां बैठ करके ढोलकी और मजरा लेकर के बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण की कीर्तन गा रही थी। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला, मेरो गोपाला, मेरो गोपाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, देखा देखो ये उत्सव मेरे लिए ही हो रहा है और मेरा ही भजन, अरे मेरे को पता नहीं ये भजन से कहां अलग मेरे को लेटा कर रख दी, इसलिए तो मैं गोलोक वृंदावन छोड़ करके आया हूँ ये ब्रजवासियों का अपना भजन का आनंद लेने के लिए। कृष्ण अभी चाहते हैं अपना भजन का भी थोड़ा आनंद ले, लेकिन कृष्ण अभी 3 महीना के, अभी उनको घुटन पर भी प्रभु को जलना नहीं आता है। कहते बच्चों का जो बल है, बोले बाला नाम रोदन बल,
बच्चों का बल रोना ही इनका बल है। कृष्ण सोचा अगर जोर जोर से रो मैया की कान में रोने का आवाज पड़े हो सकता है मैया मेरे को उठा करके ले जाएगी। इतने में कृष्ण रोना शुरू कर दिया। जब रो रहे थे लेकिन वहां तो बड़े जोर तोर से कीर्तन चल रहा था, मैया किसको लेना क्या देना उसमें लगी हुई थी। अभी मैया को कान में रोने का आवाज ही नहीं पड़ी, कृष्ण तो रो रो करके कृष्ण थक गए। बोले भैया कब तक रोऊं, इतना तो रो ही लिया है। अभी कृष्ण की इच्छा शक्ति योग माया ने उन्होंने कंस को प्रेरणा दिया। कंस इतने में एक शकटासुर को भेज दिया, कहते ये शकटासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन उसने लोमर ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हुए उनके सारे पेड़ पौधा फल फूल को तोड़ फोड़ दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले भगवान इसलिए इतने मोटे छोटे तेरे को बनाए संतों की बात को उजाड़ने के लिए, मैं अभिशाप देता हूँ जिस शरीर में तेरे इतने अभिमान है कि तेरे शरीर ही नहीं रहेगा। और इतना बोलते ही उसका शरीर धीरे 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 उसका शरीर गायब होने लग गया, उसका सारे नशा उतर गया। बोले प्रभु उधार कैसे होगा। बोले कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे प्रभु का चरण स्पर्श से तेरे को उधार मिलेगी, तेरे को मुक्ति मिलेगी। अभी कृष्ण ने ये शकटासुर को भेज दिया, इसका शरीर था नहीं। अभी वो गोकुल में आया, बोले कन्या है कहाँ, कृष्ण कहाँ पर। देखा ये बैलगाड़ी को नीचे लेते हुए उसने बैलगाड़ी के ऊपर में सवार हो गया और धीरे 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 उसने दबाना शुरू किया। कृष्ण ऊपर देखा, बोले भैया मामा जी आ गए, क्योंकि कंस मामा लगते हैं, इनका संबंधी सबके सब मामा ही लगते हैं। जब उन्होंने धीरे धीरे उसको दबा रहे थे, कृष्ण थोड़ी थोड़ी नन्हे नन्हे चरणों को उन्होंने धीरे धीरे चलाया और चलाते चलाते इसे ठोकर मारे, वो गाड़ी पलट गई, जितने दूध दही था सबके सब तसनस हो गया सबके साथ। जो गोपियां बैठ करके भजन गा रही थी सबके सब भागते भागते आए, बोले आंधी तूफान है ही नहीं, ये बैलगाड़ी पलटी तो पलटी गई से। लेकिन कृष्ण के सखाओं ने देखा था, कृष्ण का चरण स्पर्श से ही ये बैलगाड़ी पलट गई है। बच्चों ने तोतली तोतली बोली से बोले मैया मैया हम बोले ये कैसे पल पल पलट गई। बोले कैसे, बोले कन्हैया की चरण की ठोकर से। मैया बोली लगता है भांग की गोला ज्यादा खा लिया, अभी मेरे लाला अभी 3 महीना की और इनकी चरण की ठोकर से बैलगाड़ी पलट गई। मैया को विश्वास नहीं हुआ, फिर कृष्ण को लेकर के कीर्तन को बीच में रख लिए, फिर कीर्तन गाने लग गए। कृष्ण खुश हो गए, बोले भैया मैं पहले तो यही चाह रहा था, अगर पहले ले आते मैं इतना नटखट क्यों करता। देखो यहाँ पर कृष्ण शिक्षा देते हैं, बोले घर में अगर कोई उत्सव हो भगवान को उत्सव से कभी अलग मत करो, जो कुछ कर ठाकुर जी को ले करके करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, उत्सव हो रहा है कृष्ण को उत्सव से अलग कर दिया। बोले कहाँ लेटा दिया, बोले बैलगाड़ी को नीचे लेटा दिया और घर की जितने दूध दही मक्खन उसको ऊपर रख दिया। मतलब है भगवान को तो कर दिया नीचे, लेकिन जो सांसारिक वस्तु को उन्होंने कर दिया ऊंचा। तो भगवान ने क्या किया, ऐसे चरण की ठोकर मारना जितने दूध दही था सब के सब तसनस कर दिए। शिक्षा देते हैं भैया जो कुछ करना ठाकुर को लेकर करें, उनको छोड़ करके नहीं। लेकिन हम घर में क्या करते हैं, शादी हो रही है नहीं तो बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, देखना सारा दुनिया को बुलाएंगे, सारा दुनिया को खिलाएंगे, केक कटवाएंगे और पता नहीं डिस्को डांस करेंगे, उल्टा पुल्टा जितना करेंगे, लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया अपना लाला के लिए तो 2-3 जोड़ी कपड़ा खरीदी कर लेंगे, लेकिन जो असली लाला है ना, जो असली लाला जो घर में बैठा है, जिसने सब कुछ तेरे को दिया है, वो 15 दिन से 10 दिन से एक कपड़ा पहन करके बैठा हुआ, वो एक कपड़ा पहन कर बैठा हुआ, खुद तो दिन में 2 बार साड़ी बदलाते हैं, लेकिन जो असली जो लाला है भगवान जो कृष्ण बैठे हुए, वो एक कपड़े से बैठे हुए 10 दिन से एक कपड़ा पहन कर। भगवान कहते ऐसे नहीं करनी चाहिए, अपना बेटे के लिए कपड़े लाने से पहले देखो ठाकुर के लिए कपड़ा है, अपना लिए साड़ी लाने से पहले
पहले देखो भगवान के लिए कपड़े है कि नहीं। आप बोलोगे नहीं ठाकुर को तो 10 जोड़ी है, बोले अपना घर में देखो तुम्हारी कितना साड़ी, हैंगर में कितना साड़ी तुम हैं, अलमीरा में कितना सजा करके रखे हो। इसलिए द्रौपदी ने भगवान की जब अंगुल कट गई, द्रौपदी ने केवल उसने साड़ी को फाड़ करके भगवान के अंगुल में बैंडेज कर दी। ठाकुर जी सोच रहे हैं कब समय आएगा, कब इसकी मैं ऋणी उतारूंगा, कब इसकी मैं ऋणी उतारूंगा। इसलिए भैया घर में पहले खाना जो बने पहले कृष्ण को भोग लगा, दुनिया को नहीं खाने, दुनिया को खिलाना नहीं, पहले पहले देखो ठाकुर जी के लिए क्या भोग बना कि नहीं। भगवान फिर क्या कहते हैं, अगर मेरे सेवा छोड़ करके दुनिया की सेवा करोगे ना ऐसे मैं ठोकर मारूंगा, फिर तो घर की सत्यानाश कर दूंगा तुम्हारी। मतलब क्या है, भगवान घर में लड़ाई लगा देंगे, झगड़ा लग जाएगी, कोर्ट कचहरी मामला बीमारी में लाख रुपया खर्च चल जाएगी। अगर भगवान को श्रृंगार करोगे, भगवान को खिलाओगे ना, अगर ठाकुर जी खुश हो फिर तुम्हारी घर में भी खुशी आ जाएगी। देखो एक उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे अपना शरीर को श्रृंगार करो, अपना शरीर को श्रृंगार करो, श्रृंगार करते हुए आप शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना अपना शरीर को जैसे सजाओगे वो परछाई भी ऐसे सज जाती है। परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, अपना शरीर को सजाओ परछाई अपनी आप सज जाएगी। मतलब है जब भगवान को हम अच्छे तरह से सेवा करेंगे, उनको खिलाएंगे, उनको पिलाएंगे ना, हम अपने आप घर में हरे भरे रहेंगे, अपने आप घर में सजे धजे रहेंगे। इसलिए सबसे पहले क्या करो, भगवान की सेवा पूजा, भगवान की श्रृंगार पहले करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अरे कोई जयकार नहीं दे रहे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। अभी कृष्णा धीरे 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 कृष्णा बड़े हो रहे हैं। जब कृष्णा बड़े हुए देखना, जैसे माताएं बच्चों को लेकर के ऐसे ऊपर उछालते ना, कभी मैया जसोदा कन्या को ऐसे उछाल रही थी, कृष्ण ने कहा मैया क्या कर रही है, थोड़ी सी ऊपर में उछाल रही है, मेरी इच्छा तो एक बार कोई एरोप्लेन आ जाए बैठ करके, कुछ दिन बाद में जो बड़ा में होऊंगा गली गलियों में मक्खन चोरी करूंगा। अरे पहले तो गलियों को देख ले किधर जाना किधर नहीं जाना। अभी कृष्ण के मन में इच्छा हुई, इच्छा होते ही कंस ने तृणा व्रत को भेज दिया। ये तृणा व्रत अंधी तूफान रूप में आ गया। मैया जब ऐसे ही उछाल रही थी ना, देखा भैया मामा जी आ गए, हाँ कंस भैया मामा जी आ गए, अभी तो मामा जी मुझे पकड़ करके ऊपर उड़ा करके ले जाएंगे, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मैया क्या करेगी। कृष्ण इतने भारी हो गए जैसे पत्थर की कोई चट्टान है, मैया गोद में पकड़ नहीं पाई, उन्होंने नीचे उतार दी। हठात उन्होंने आंधी तूफान रूप में आई और कृष्ण को पकड़ करके उसने ऊपर उड़ा करके ले गया। देखना बच्चों का एक स्वभाव है, अगर ज्यादा ऊपर उछाल दो ना बच्चा डर जाता है और पकड़ लेता है। इतने में जब उसने ऊपर ले गया, कृष्ण की इच्छा थी थोड़ी सी कोई और एरोप्लेन में बैठ करके थोड़ा ब्रजमंडल घूम लो। जब उन्होंने पूरा के पूरा ब्रजमंडल घूम गए, अभी जैसे प्लेन लैंडिंग करता है ना उतरता है, अभी तो उनको उतरना पड़ेगा, भैया उतरेंगे कैसे। इतने में उन्होंने गले को ऐसे दबाए, ऐसे गले को दबाए, इतने में तृणा व्रत ने धड़ाम करके गिरा, गिरा तो एकदम पूरा चकनाचूर हो गया। मैया ने देखा भाई मेरे लाला कहाँ, मेरे लाला कहाँ, देखा दूर में पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने जाकर के अपना लाला को उठा करके ले आती हैं, फिर उनको काली गैया की पूंछ से झाड़ा लगवाए, राई नून की मंत्र करके ऊपर में छिड़काव कराए, लगता है मेरे लाला को फिर कोई भूत तो बैठने गया है। कहते कभी कभी साधकों का जीवन में भी कभी कभी ऐसे ऐसे जीवन में तृणा व्रत आ जाती है। जैसे आप भजन कर रहे हो, ध्यान देकर सुनो, भजन कर रहे हो, जैसे थोड़ी समय के लिए आंधी तूफान आ गया, पूरा ब्रजमंडल को अंधकार अंधकार छा दिया। उसी तरह देखना जैसे आप लोग भजन कर रहे हो, संसार घर गृहस्थी करते हो, देखना कभी कभी थोड़ी समय के लिए
संसार में कभी कभी इतने दुख कष्ट आ जाता है, हम कभी कभी बिलबिला जाते हैं, कभी हम संसार में कभी कभी बिलबिला जाते हैं, अभी क्या करना, अभी क्या नहीं करना, क्या करना नहीं करना, कभी कभी सोचने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, बोले भैया अगर जीवन में बड़ी से अगर बड़ी विपत्ति अगर कोई आए ना, भगवान को याद करो। क्या करो? भगवान को याद करो। कभी सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब हम भगवान के नाम लेते हैं, जीवन का जितने दुख कष्ट अपने आप सब के सब दूर हो जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। जब कृष्ण और थोड़ी सी बड़े हुए, जिसकी मन में जो आता है ना, जैसे बच्चे को जिसका मन में जो आता है चुल्लू बुल्लू ऐसे भुलाते हैं, लेकिन श्री नंद बाबा सोच रहे हैं भैया लाला की कोई नामकरण हो जाए, जिस नामकरण होगा उसी नाम से फिर पुकारा करेंगे। लेकिन एक समस्या क्या है, नंद बाबा तो सोच रहे हैं लाला मेरो है, लेकिन वसुदेव महाराज सोच रहे हैं ये लाला मेरो है। ये बड़ी बड़ा समस्या है। अभी वसुदेव महाराज सोच रहे हैं, पहले जो बच्चों का नामकरण होता था ऐसे नहीं मुंह में जो आए टुल्लू बुल्लू टिंकी पिंकी जो नहीं ऐसे नाम नहीं करण करते थे, पहले ज्योतिष को बुलाते थे, उसका जन्म नक्षत्र देखते थे, देख करके एक अक्षर निकालते थे, वो अक्षर को पहले रख करके भगवान संबंधी कोई नाम रखते थे, ठाकुर संबंधी कोई नाम रखते थे, और ऐसे नाम करना करते थे जिसमें उसका पिता और उसको पिता ये दोनों का नाम उसमें एक नाम है, ये दोनों नाम होनी चाहिए, जैसे राम जैसे राम। अब बताओ राम के पिताजी का नाम क्या था? बोलो जोर से, दशरथ। इसलिए दशरथ, ये जो रा कर उन्होंने दशरथ महाराज से लिए, पहला रखकर जो रा है। फिर उनको पिताजी का नाम क्या था? बोले अज। वहां से लिया अ, फिर यहां पर हुआ रा और म हुआ। जैसे कृष्ण, कृष्ण के पिताजी का नाम कौन है, क्या है? बोले उनका पिताजी का नाम है नंद। इसलिए नंद से जो ना कर जो कृष्ण स्नाम में जो ना है वो लिया नंद से है। लेकिन उनको पिताजी का नाम क्या था? बोले परजन बाबा। परजन बाबा वहां से लिया, रा कर लिया, इसलिए क्री में जो री मात्रा है वहां से लिया। इसलिए पहले जो बच्चों का नाम कर्म करते थे, बच्चे कौन होता है? जो हमारी खानदान को रक्षा करता है, अपना कुल परंपरा को जो रक्षा करता है। इसलिए पहले यही सही नामकरण करते थे, मनमानी कोई नाम नहीं करण करते थे। इसलिए हम लोग पहले सुना है ना, अजामिल ने किसी तरह से भूल से कैसे सबसे छोटा बेटा का नाम उसे नारायण रख लिया था। अभी छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, सबसे ज्यादा प्यारा होता है ना। अभी वो बात बात में बेटा नारायण गोद में आ जा, नारायण पानी ले आ जा, नारायण तू कहाँ है, जैसे माला जप करते हैं ना, उसका हो गया जैसे माला जप है। हम जो पाप कर्म जो जीवन में जो कर्म करते हैं, काय मन और वाक्य से, ये तीनों से कर्म करते हैं। अभी अजामिल का मृत्यु का समय आया ना, ये तीन जमदूत उसको लेने के लिए आए, और इनको देख करके उन्होंने देखा उसका बच्चा दूर में खेल रहा है, इतने बड़े जोर से उसने पुकारा, बोले नारायण। ये चार अक्षर नारायण, एक तरफ तीन जमदूत और दूसरे तरफ में चार विष्णुदूत। बोले माँ भयो कोई डरने का बात नहीं, हम है। अभी अजामिल को काल फास में बांध करके जब ले जा रहे थे, इतने में विष्णुदूत आ गए, बोले सावधान, बोले तुम लोग कौन हो? जमदूत को पूछे, बोले हम धर्म राजा का दूत है। बोले धर्म का पर अधर्म कर रहे हो कैसे? बोले क्या अधर्म है? बोले इसको क्यों ले जा रहे हो? बोले आपको पता है ये कौन? पहले ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, अपना पत्नी को छोड़ करके एक शूद्राणी वैश्या को साथ में रहा, उसकी हाथ में अमेध्य कुमेध्य को उसने भोजन किया, फिर 10 संतान हुए,
इनको भरण पोषण करने के लिए चोरी गुंडागिरी डाकू हर तरह ने पाप कर्म किया है, इसलिए ये सीधा नरक जाएगा, सीधा ये नरक जाएगा। विष्णु दूत ने कहा भैया इसने कुछ तो पुण्य भी तो किया है ना। बोले कि क्या पुण्य किया है? बोले अभी उसने नारायण बोला, अभी उसने नारायण बोला। बोले वाह, जिंदगी भर पाप कर्म करो और मरने से पहले एक बार नारायण बोल दिया, हो गया क्या? एक बार नारायण बोलने से हो गया? तब विष्णु दूत कहते हैं तुम्हें पता है भगवान का नाम में कितने शक्ति, तुमको पता है तुम्हें? जब उसने अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया था वो सारे पाप से उसको मुक्ति हो गई थी, लेकिन बेटे का जब उसने बारंबार नारायण 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 बोला, जैसे हम माला जप करते हैं ना, इसका हो गया माला जप, हो गया ठाकुर का नाम माला जप हो गया। लेकिन अंतिम समय में जब उसने नारायण बोला, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले जन्म जन्म मोनि जत ना कराई, जन्म जन्म मोनि जत ना कराई, अंतरामा कही आब सनाई, अंतरामा कही आब सनाई, जन्म जन्म मोनि जत ना कराई, जन्म जन्म मोनि जत ना कराई। इसलिए उसने जो अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई है, जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं, बोले अंत राम कही आबतना, जब अंतिम समय पर प्रभु का नाम लेते हैं फिर ये संसार में दोबारा ये नहीं आते हैं। देखो ध्यान देकर सुनो, ये जमदूत क्या कहते हैं अच्छे तरह से सुनो। जमदूत कहते हैं अंत राम कही आबतना, बोले हाँ, बोले उसने प्रभु का नाम कब लिया है? उसने प्रभु का नाम कब लिया? वो तो अपना बेटे को बुला रहा था, भगवान को थोड़ी बुलाया, उसने तो अपना बेटे को बुलाया। तब जब विष्णु दूत कहते हैं बोले सांकेत्यम पारिहास्यम बा स्तोभम हेलर न बेबा, कि जो भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। पहला नंबर है सांकेत्यम, अगर संकेत करके अगर हरि नाम करे, संकेत मतलब होता है जैसे बच्चे का नाम कृष्णा गोविंदा बांके बिहारी नाम रख दिया, बार बार बच्चे को बुलाते हो, इसको संकेत कहते हैं, इसको संकेत कहते हैं। बोले अगर इस तरह करके भी गुरु का नाम लो ना, तब भी जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए बच्चों का नाम अगर भगवान का नाम धर दिया ना, जितना बार बच्चों का नाम लोगे उतना बार कम से कम ठाकुर जी की नाम निकलेगा। इसलिए आप देखो जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछो, जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछ लो, सब कृष्ण गोविंद राम शरण कृष्ण। भैया ये लाइट को बंद करो, ये लाइट बंद करो, ये ठीक है। इसलिए सबसे देखो पहले पहले सब लोग सब ठाकुर का नाम पर नाम भराया करते थे, कोई उल्टा पुल्टा नाम नहीं रखा करते थे, टुल्लू बुल्लू पिंकी पिंकी ये सब विदेश में कुत्तों का नाम है सबके सब। अभी सबके सब विदेश में कुत्तों का नाम को भी बच्चों का नाम धरवाते हैं। बोले ये कृष्ण गोविंद नारायण ये सब नाम है ना, अरे सब पुराना नाम था, अभी तो हम बच्चों का अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अब जब अंग्रेजी नाम रखेंगे। बोले क्या नाम? बोले कुत्तों का नाम पकड़ कर आएंगे। नहीं भैया हमारी संस्कृति, अब वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए हो, वहाँ पर अंग्रेजी मंदिर में चले जाना, देखना अंग्रेजी बच्चे छोटे छोटे बच्चों को देखना, पूछ लेना इनका नाम क्या है, सब भगवान का नाम पर। छोटी छोटी लड़कियों को देखना, गीता सीता ललिता विशाखा राधा, सब ऐसे ऐसे वे लोग हमारी संस्कृति को ले रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उल्टा हम अंग्रेजियों का संस्कृत ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, बच्चों का नाम सब ठाकुर की नाम पर धरानी चाहिए। इसलिए श्री वसुदेव महाराज ने
गर्गाचार्य को बुलाया, बोले गर्गाचार्य जी आपको पता है ये कृष्ण मेरे लाला है, आप तो त्रिकाल दृष्टा हो, हाँ एक बार आप गोकुल में जाओ और मेरे बच्चे का नामकरण करा के आओ और ऐसे एक नाम धराओ जो मेरे साथ में बेटा का नाम कर साथ मिलनी जुलनी चाहिए। गर्गाचार्य प्रसन्न हो गए, ओ भाग्य है आज ठाकुर का नामकरण कराएंगे। कृष्ण अभी कितने छोटे बच्चे, जब ठाकुर जी को गोद में लूंगा उनका नन्हे नन्हे चरण है और बच्चा खड़े नहीं हो पता, बाल को नोचता है, कपड़े को पकड़ता है, अहो भाग्य है मेरे कितने सौभाग्य, ठाकुर का नामकरण कराऊंगा। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, नंद बाबा जब गर्गाचार्य को देखा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले महात विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निस्सहाय भगवान अन्यथा कल्पते क्वचित। नंद बाबा बोले आज मेरे जीवन धन्य हो गया। बोले क्यों? बोले घर में आज संत आए, घर में संत आए हैं, संतों का चरण धूलि घर में पड़ा है। बोले भैया संत हमारी घर में क्यों आते हैं, क्या कुछ लेने के लिए आते हैं हमसे? बोले नहीं, बोले लेने के लिए नहीं, हमें देने के लिए आते हैं। बोले भैया क्या देने के लिए आते हैं, हम तो उल्टा उनको पिलाते हैं, उनको प्रणाम ही देते हैं, वो हमें क्या दिया, हम तो उनको दिया। श्री नंद बाबा कहते नहीं, वो एक बहुत बड़ी चीज को देने के लिए आते हैं। बोले वो चीज कौन सा चीज है? बोले भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम। और हम जो मातृगर्भ में जब 7 महीना में जब भगवान के पास में हमने जो कसम खाया था, ठाकुर जी एक बार केवल हमें जन्म दे दो, ये नरक से एक बार निकाल दो, उठते बैठते सोते तेरे इतने नाम जप करूंगा। देखो ठाकुर जी क्या कहा, बोले अगर तू भूल जाओगे ना फिर मैं संत रूप में फिर आऊंगा, तेरे को याद दिलाऊंगा। बेटा मातृगर्भ में तू क्या बोल करके आया था, भजन करोगे ना, कितने समय माला जप करते हो और कितने समय टीवी देखते हो, कितना समय न्यूज पेपर पढ़ते हो तुम, इसलिए ये चीज को याद दिलाने के लिए आते। बोले भैया जगो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरार निवर्धत, उठो जगो, जो एक एक जो श्वास जा रहा है वो एक एक श्वास, कहते कहते करोड़ रुपया देने पर भी एक श्वास का वापस नहीं ला सकते हैं, इसलिए संत हमें जगाने के लिए आते हैं। ये नंद बाबा स्वयं कहते हैं, कहते आज तो मेरे जीवन धन्य हो गया, मेरे घर पवित्र हो गया। क्यों? कहते भैया जब तक घर में संत लोग नहीं आए ना, जब तक घर में कीर्तन नहीं हो, जब तक घर में प्रभु का चर्चा नहीं हो ना, कि तब तक ये घर हमारी पवित्रता नहीं होता है, ये घर हमारी पवित्र नहीं होता है। और संत लोग आएंगे फिर हमें समझाएंगे, फिर हम भी भक्ति करेंगे, बच्चे भी भक्ति करेंगे, अगर संत नहीं आएंगे तो फिर हमें कौन समझाएंगे बताओ, कोई समझाने वाले नहीं है, फिर समझाने वाले कोई नहीं। इसलिए नंद बाबा कहते हैं आज तो मेरे जीवन धन्य हो गया, घर में संत आए। और नंद बाबा खुद बोल पड़े, बोले जब आप कृपा करके आए हो मेरे लाला का थोड़ा नामकरण करवा दो। तब गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अरे जोर से जयकार बोलो, बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। जयकार ठीक से नहीं हो रहा है, जोर से बोलो, बोले श्री गिरिराज बाबा की, बोले गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, बोला तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, महाराज तुम्हारी जय जय हो, महाराज तुम्हारी जय जय हो,
त्रिकाल दृष्टा है, इनकी जन्म नक्षत्र को देख करके उन्हें ध्यान लगाए। ये पहले श्री ताऊ भैया का नामकरण करवाए, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृद गुणाई। बोले नंद बाबा तुम्हारा ये जो बेटा है ना, इसका नाम बलराम होगा। बोले क्यों? बोले बला दिख्याद बलम दीदु, ये बड़ा बलवान होगा ये बच्चा। बोले कौन सा बल की? बोले भक्ति बल की, ये बड़ा बलवान होगा। और राम मतलब होता है सबको ये आराम देगा, सबको ये शांति देगा, इसलिए इनका नाम होगा बलराम होगा। बोले श्री दाऊ भैया की जय। भैया जो सामने जो माइक जो लाइट है ना, इसका कोई जरूरत नहीं, लाइट को बंद कर दो। बोले दूसरा जो बेटा का कृष्ण का नाम करना करेंगे, जब उन्होंने ध्यान लगाए इनका पूरा ध्यान ही लग गई। बोले क्यों? बोले भैया एक दो चार पांच इसका नाम हो, फिर तो कोई नाम करना कर दे, कोई एक नाम लगा दे। लेकिन ये विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे नाम है ना, सब देखा इन्हीं सब नाम है, सब इन्हीं का बगैर कुछ नहीं है। इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंत। इतने में नंद बाबा श्री गर्गाचार्य जी को पकड़ करके हिलाए, बोले बताओ ना कि लाला का नाम क्या होगा। बोले आसन वर्णास्त्रय यस्य गृह्णोत अनुयुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गत। बोले बाबा तेरा ये जो लाला है ना, ये हर युग युग में ये अवतीर्ण होता है। सत्य युग में उसने शुक्ल वर्ण धारण करके आया, तृतीया युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, और कलि युग में तुम्हारा एक जो बेटा श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आएगा, और संपूर्ण विश्व में ये हरि कीर्तन को विश्व ब्रह्मांड में हरि नाम को सर्वत्र प्रचार करेगा। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। हरि जोर से बोलो। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। बोले श्री मन चैतन्य महाप्रभु की जय। आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? कौन कौन श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? देखो जो चैतन्य महाप्रभु ये गर्गाचार्य ये द्वापर युग में ये बात को द्वापर युग में बता रहे हैं। देखो इधर अच्छे तरह से सुनो, बैठ जाओ सबके सब। देखो आप लोग, हम लोग सब हिंदू हैं, जैसे आपका हापुर को मानो मोदी आने वाला है, अच्छे तरह से जिसको समझो। मानो यहाँ पर श्री मोदी आएगा, क्या मोदी ऐसे आ जाएगा? ये मोदी ऐसे आ जाएगा? ऐसे नहीं आएगा। उसके लिए कितने व्यवस्था, कितने पुलिस की व्यवस्था, पहले अनाउंसमेंट हो जाता है, न्यूज पेपर में आ जाता है, अमुक समय में अमुक समय पर लैंड अमुक जगह पर करेगा, और अमुक समय पर मोदी यहाँ आने वाला है। देखो साधारण एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उसके लिए कितने व्यवस्था है, उसके लिए कितना व्यवस्था है। उसी तरह गोलोक वृंदावन से भगवान इसी जगत में आएंगे, भगवान ऐसे नहीं आ जाते, ठाकुर जी ऐसे नहीं आते हैं ठाकुर जी। इसलिए पहले सबके सब गीता भागवत रामायण पुराण में इनकी नाम सबसे पहले आ जाता है। अमुक स्थान पर अमुक का पिता माता बन करके भगवान आने वाले, जैसे कलि युग में कलि के अवतार होगा। भैया लोग चुपचाप हो जा, हो गया वो डंडे को छोड़ दो, और डंडे को वैसे छोड़ दो, अब चुपचाप बैठे कथा सुन, चुपचाप बैठे हो, सामने कोई घूमना नहीं, सामने कोई मत घुमा करो, सबके सब बैठ जाओ। हाँ ध्यान दे कर सुना। इसलिए जब भगवान इस जगत में आते हैं, वो भगवान कैसे नहीं आ जाते हैं, जैसे कलि युग में श्री कल्कि अवतार होने वाले हैं,
लेकिन यहाँ पर भागवत पढ़ करके देखो ये कल्की अवतार कहाँ पर होगा, इनका पिताजी का नाम क्या होगा और इनकी माता जी का क्या नाम होगा। भागवत पढ़ कर देखो, देखो ये श्लोक है, बोले संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णुजस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। भागवत एकादश स्कंध में पढ़ कर देखो, बोले संभलपुर ग्राम में भगवान कल्की अवतार लेंगे जिनका पिता नाम कहा हुआ विष्णुजस होगा। भागवत में लिखती है कि उसी तरह जब कलयुग में जब श्री भगवान जगत में आते हैं, शास्त्र में पहले लिख जाती हैं ये गर्गाचार्य ये द्वापर युग में ये कह रहे हैं, बोले जो कलयुग में जो अवतार होंगे हर युग में भगवान का रंग काले, कृष्ण भी काले, हमारे राम भी काले, वामन जितने अवतार काले हैं, लेकिन बोले कलयुग में काले रूप में नहीं आएंगे भगवान, भगवान गौर रूप में आएंगे, भगवान गौर रूप में गौरांग बन करके राधा जी की अंगकांति भाव लेकर के आएंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौर हरि। गौर हरि मतलब क्या, राधा रानी गौरी, हरि मतलब कृष्ण, ये दोनों मिलकर के एक स्वरूप में श्री नवद्वीप धाम में आएंगे। बोले करेंगे क्या, बोले संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति की प्रचार करेंगे। क्या करेंगे, वो खुद बोलेंगे नहीं मैं भगवान हूँ, वो खुद नहीं बोलेंगे मैं भगवान हूँ, वो दुनिया में कृष्ण भक्ति जो राम भक्ति को विश्व ब्रह्मांड में भगवान की भक्ति को जगत में प्रचार करेंगे। दुनिया में जो थोड़ी बहुत हरि भक्ति आपको दिख रहा है ना, और तिलक लगाए गले में कंठी हरि नाम कर रहे हो, ये किसकी कृपा है, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा है। इन्होंने आए जगत में हरि भक्ति प्रचार की, इसलिए अभी जगत में ना हमें थोड़ी बहुत ही भक्ति जगत में दिख रहा है। इसलिए किसी भविष्यवाणी है एक दिन संपूर्ण पृथ्वी में घर घर में गांव गांव में शहर शहर में भगवान के नाम गूंज उठेगी, सबके सब लोग प्रसन्न होकर के भगवान की कीर्तन करेंगे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे, कुछ माताओं का मुंह नहीं निकल रहा है। देखो देखो इधर हम लोग कितने भक्त बैठे हैं, अगर सभी का मुंह से भगवान के नाम एक बार निकले ना, जैसे समझे 400 लोग बैठे, एक एक बार अगर प्रभु का नाम निकले ना, हम 400 भक्त हैं, सभी का नाम सभी का कान में जाएगा। नाम तो एक बार लोगे, लेकिन एक बार नाम लेने से 400 बार प्रभु का नाम लेने का फल मिल जाएगा। कहते इनकी आवाज जितने दूर तक गूंजेगी ना, जितने दूर तक प्रभु के नाम गूंजेगी, किसी तरह का पाप दुख कष्ट वहाँ रह ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी। इसलिए जोर जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बार अभी मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो जोर से और जोर से, इसलिए गर्गाचार्य बोले अभी वही जो कृष्ण है वही जो राम है, अभी कलयुग में वो सिर्फ द्वापर युग में किस रूप में आए हैं, बोले द्वापर युग में वो कन्हैया रूप में भगवान कृष्ण रूप में आए हैं, इसलिए इनका एक नाम श्री कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री राम के बिहारी की। बोले देख नंद बाबा तेरे जो बेटा है ना, इतना नाम इतने रूप इतने इसके गुण हैं, वेद भी इनकी अंत नहीं पाएगा। जब उन्होंने ये सब बात को बता रहे थे, वहां पर मैया जसोदा भी बैठी हुई थी, मैया जसोदा सोच रही थी ये पुरोहित कोई काम का बात नहीं कर रहे हैं, तेरे बेटा ऐसे हर युग युग में आएंगे, तेरे बेटा का इतना नाम इतना रूप, अरे इससे मेरा क्या मतलब है, अरे ये तो कुछ काम की बात बताए। बोले माताओं का काम का बात किया है,
हर माताएं ये सोचती हैं लाला तो बड़ा हो जाए, कब शादी हो, घर में कब बहू आ जाए। अब देखना, जब तक घर में बहुएं आई नहीं आ जाती ना, माताओं को घर का सारे काम काज करना पड़ता है। और घर में बहू आ जाए फिर तो माताओं को विश्वास होता है। इसलिए हर माता ये सोचती हैं जल्दी जल्दी लाला की ब्याह हो जाए और जल्दी जल्दी घर में बहू आ जाए। इसलिए मैया जसदा बूढ़ी उम्र में लाला हुआ है, मैया सोच रही है भैया घर का कामकाज में कब तक करती रहूंगी, अब तो बूढ़ी हो गई। ज्योतिष तो ये बताए बेटा कब बड़ा होएगा, कितने घर में बहुएं आएंगी, बहुएं कैसे होएगी, और ये बात तो कम से कम बताए। इतने में श्री गर्गाचार्य एक श्लोक बोले। देखो एक श्लोक का अर्थ तो दो अर्थ होता है। मैया तो बड़ी सीधी साधी भोली वाली हाँ, देखो ये मन मन में अपना का अर्थ लगा देती है। वो श्लोक था बोले बहुनी संति नामहानी, मतलब वो कह रहे तेरे ये जो बेटा है ना बहुनी संति नामहानी, इसका बहुत सारे नाम रूप गुण होगा। मैया जसवा मन मन में अर्थ लगा रही थी, शायद ज्योतिषी ये कह रहे हैं मेरे लाला की बहुत सारी बहुएं होगी। मैया तो खुश हो गई सचमुच से। जब कृष्ण वृंदावन में थे, राधा रानी तो एक थी, उनका आठ सखी ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या रूप मंजरी रति मंजरी, भगवान जब रास करते हैं ना 100 करोड़ गोपियों को साथ में प्रभु ने रास रचाए। कृष्ण फिर जब द्वारका जाते हैं इनकी 16108 पटरानियां इनको होती हैं, भले इनके अलग अलग नाम अलग अलग रूप, कोई होगी गोरी कोई होगी काली कोई सावर्ण वर्ण की। मैया सोची भैया कोई बात नहीं बहू होनी चाहिए, जितना बहू हो उतना तो सास की सेवा होगी ना। मैया तो खुश हो गई प्रसन्न हो गई, बोले वाह ज्योतिष अभी काम की बात बताए। प्रसन्न होकर के अपना लाला को ज्योतिष के चरण में लेटा दी, बोले बाबा लाला को आशीर्वाद दो। गर्गाचार्य के दर गए, भैया कहाँ हम रसिकों को बीच में हमने कहाँ आ गए हैं, लेकिन ऊपर ऊपर में आशीर्वाद दिए, अपना जीवन का धन्य माने। आज मेरी जीवन धन्य हो गया, क्यों आज मैंने ठाकुर जी का दर्शन ठाकुर जी का गोद में लिया और ठाकुर जी का मैंने नामकरण की है। जब गर्गाचार्य चले गए ब्रज के जितने बड़े बुढ़िया थी, बोली लाला का नाम क्या भय कहा भय है, बोले बड़ा बेटा का नाम बलराम और छोटा बेटा का नाम कृष्णा। बोले भैया नाम तो बड़े अच्छे नाम है, लेकिन ये जो कृष्ण नाम जब तक ये जीवा 3 बार टेढ़ी नहीं हो जाए ना, देखना ये नाम सहज में नहीं निकलते। देखना कृष्ण भी 3 जगह से टेढ़े, इनका नाम भी बड़े टेढ़े कृष्ण, ये जीवा जब 3 बार पलट जाए तब कृष्ण नाम निकलती है। आप वृंदावन में गए हो देखना वह गली भी टेढ़ी है, यमुना भी टेढ़ी है। इसलिए देखना भगवान का सब कुछ टेढ़ा ही है। इसलिए ब्रज में एक भजन है बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, मैया तेरे टेढ़ी जसोदा तेरी टेढ़ो तेरी टेढ़ी तेरी गोकुल नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। भगवान ये टेढ़े क्यों है, देखो कोई सीधा चीज अगर अंदर में घुस जाए ना देखना निकल जाएगी, लेकिन कोई टेढ़े चीज अगर अंदर में घुस जाए निकलेगा नहीं। अगर कृष्ण किसकी हृदय में एक बार टेढ़े रूप में बैठ गए ना, अरे हो गया तुम्हारी काम है। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संत कहते हैं बोले खबरदार भैया वृंदावन मत जाया करो, वो मना करते हैं संत संतो वृंदावन मत जाओ। इसने कहा भैया मैं तो वृंदावन में ही खड़ा हूँ, बोले वृंदावन में खड़े हो देख ध्यान रखो वहां पर एक कैसी तीर्थ घाट है, भैया वहां तो प्यार पढ़नी नहीं चाहिए, बोले ऑलरेडी तो मैं वहीं पर स्नान कर रहा हूँ। बोले जब और एक चीज याद रखो वहां पर बांके बिहारी मंदिर है ना, भैया वो मंदिर में प्यार मत रखा करो, बोले ऑलरेडी मैं उसी मंदिर, बोले वहीं पर तू खड़े, बोले भैया उनका नजर मत लगाया करो, उनको आंख में नजर मत लगाया करो, क्योंकि उनको जो मीठी मीठी हंसी है ना वो हंसी नहीं वो जादू है, वो जादू है, वो जो तेरी सी जो चितवन नहीं हाँ ये तीर है, ये तीर इनकी है, खबरदार इनका मोर मुकुट में नजर नहीं पड़नी चाहिए हैं। अगर एक बार उनको दर्शन करोगे ना
एक बार अगर तुम उनको दर्शन करोगे बस राधे राधे बोल और वृंदावन में दो, फिर तो तुम पागल बन जाओगे, तो फिर पागल बन जाओगे। संत सबको सावधान करते हैं, लेकिन वो संत ये कह रहे हैं अगर ये जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं ना, एक बार वृंदावन में जाओ और एक बार वो ठाकुर जी को दर्शन जरूर करो। बोले श्री वाल्मीकि बिहारी लाल की, बोले श्री गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। जब कृष्ण धीरे धीरे कृष्ण जब बड़े हुए, अभी एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं भैया ब्रज में जो कुछ जो कोई आए ना वो एक चीज की प्रार्थना करते हैं, बोले राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए, सारा दुनिया एक ही चीज की प्रार्थना करते हैं। इसलिए रसखान कहते हैं, कहते रमण रति ले तो नहीं कियो ना जमुना पान। भैया ब्रज में जाकर के जरूर दो काम करो, क्या करो, रमण रति में जाकर के जरूर लोट बोट खाओ और जमुना में जरूर आचमन लो, यमुना में जरूर स्नान करो। जब तक ये दो चीज नहीं करोगे ना भैया, ये ब्रज की महिमा तुम नहीं समझ सकते हो। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जो कोई आए सबके सब ब्रज धूल की प्रार्थना करता है। देखो उद्धव जी जब ब्रज में आए, जब उन्होंने ब्रज गोपियों की महिमा को देखा, उद्धव जैसे व्यक्ति, बोले उद्धव कौन है, कहते वृष्णि नाम प्रवर मंत्री कृष्ण सदैत सखा। भगवान जिनसे परामर्श लेते हैं, कृष्ण का अत्यंत अत्यंत प्रिय बंधु जी उद्धव है, और इतने बुद्धिमान उद्धव जी जिनको पढ़ने के लिए स्वर्ग में बृहस्पति को पास में जिनको भेजा गया, इतने बुद्धिमान श्री उद्धव जी। कृष्ण खुद कहते हैं हे उद्धव तू मेरे जितने प्रिय है ना, मेरे बेटा ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, हरि हर एकात्मा शंकर भी इतना प्रिय नहीं, मेरी पत्नी भी इतना प्रिय नहीं, मेरे दाऊ भैया भी इतना प्रिय नहीं, मैं भी इतना प्रिय नहीं, तू मेरी जितना प्रिय है। ये उद्धव ये है। लेकिन जब ब्रज में आते हैं, जब ब्रजवासियों का प्रेम को देखे, उद्धव जैसे कहते हैं, बोले आशा महो चरण रेणु जुसा महंग श्याम, वृंदावन किमपि गुल्मलतो औषधिना। कहते क्या मेरा ऐसे सौभाग्य होगा, बोले कौन सा सौभाग्य, बोले वृंदावन में मैं घास भूसा होकर के जन्म लू। बोले भैया घास भूसा होकर क्यों जन्म लेना चाहते हो, बोले गोपियां जब श्रृंगार करके कृष्ण से मिलने के लिए जाएंगे चल करके तो जाना पड़ेगा ना, अगर हम घास बन करके रहेंगे उनके चरण की धूल मिल जाएगा। बोले वहां की लता पता क्यों बनना चाहते हो, बोले प्रमद मदन लीला कंदर कंदर थे, प्रभु जब कुंजो कुंजो में लीला करेंगे, अगर लता पता बने रहेंगे ना ठाकुर को लीला दर्शन हो जाएगा। बोले वहां पर औषधि वृक्ष क्यों बनना चाहते हो, बोले कभी बीमारी पड़ेगी दवा तो खाएंगे, कभी बीमारी पड़ेगी दवा तो खाएंगे, अगर हम औषधि वृक्ष रूप में जन्म लेंगे जब वो दवा रूप में ग्रहण करेंगे कम से कम उनका हृदय में मैं चला जाऊंगा। उद्धव जैसे व्यक्ति ये चीज की प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी जब कृष्ण की बछड़े सखाओं को चोरी की, जब उनको पता चला ये कृष्ण कौन है, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, उद्धव श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले तद भूरि भाग्य मेह जन्मम किम अटव्याम जात गोकुल कथमांग्री रजो भिषेक। ब्रह्मा जी वहां पर पत्थर जन्म लेना चाहते, बोले कहां पर, बोले ब्रज में नहीं, ब्रज का बाहर जहां पर छोटे जाति लोग रहते हैं, अगर इनकी अगर चरण धूलि मिल जाएगा जीवन धन्य हो जाएगा। शंकर जैसे व्यक्ति वृंदावन में गए ना, शंकर जी गोपी बन करके प्रभु का रास दर्शन के लिए आते हैं लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए, ये ब्रज की इतने महिमा। इसलिए एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं भैया ब्रज में जो कोई आए एक चीज की प्रार्थना करते हैं, राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। बोले भैया ये ब्रज धूल में क्या है चीज। एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते ब्रज रज की स्वाद लेने के लिए ठाकुर जी मिट्टी खाए। सखाओं ने मना कन्हैया मिट्टी मत खाया करो पेट खराब हो जाएगा, लेकिन कृष्ण सुनेगी वो खाते खाते ही जा रहे हैं। इतने में सखाओ ने जा करके मैया से शिकायत कर दी, बोले मैया आज लाला इतने मिट्टी खा रहा है, किसका बात नहीं सुन रहा है। मैया तो डंडा लेकर के आ गई
और आकर के सीधा क्या करती हैं, कृष्ण का कान को पकड़ती हैं सीधा, और कहीं सीधा कान को पकड़ी हैं, बोले अपवित्र, बोले जिनका नाम लेने से जीव पवित्र होता है, माँ कहते तू अपवित्र, तुमने मिट्टी खाई, कृष्ण तो सफेद झूठ बोल दी, बोले मैया, बोले ना अहम भक्षित वानंबो सर्वे मिथ्या विसंसिनम, बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, बोले ये जो सखा लोग बोल रहे हैं, बोले मैया आज कहा भयो तेरे को पता है, बोले कहा भयो, बोले आज हम सखाओं के साथ में खेल रहा था, खेलते खेलते कुश्ती लड़ रहा था, लड़ते लड़ते मैंने सबको परास्त कर दिया, कोई भी आज मेरे साथ में टीक नहीं पाए, जब टीक नहीं पाए बोले ये कन्या को आज हम मार खिलाएंगे, और ये सखा लोगों ने मेरे नाम पर चुगली कर दिया, बोले और क्या भय तेरे को पता, बोले क्या, बोले सखा लोग अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिठाई चोरी चोरी करके लाते हैं, बोले मैया तेरे को पता है मैं कभी चोरी का चीज खाता ही नहीं, भैया बोले अच्छे तरह से बता तू क्या करता नहीं करता, ये मैंने खाया नहीं, ये समझ गए ये तो मैया के पास नहीं तो चुगली कर देगा, खाया नहीं, अरे मैं चुगली करने से पहले मेरे नाम पर चुगली कर दी, और इनकी बात तो जल्दी जल्दी इनकी बातें में आ जाती हो, लेकिन हर माता अपना बच्चों का करतूत सब जानते हैं, इतने में बोले दाऊ तू सही सही बचा, कृष्ण मिट्टी खाएगी नहीं, बोले मैया अपना आंखों से देखा मैंने मिट्टी खाते हुए, कृष्ण बोले मैया आज पता नहीं सवेरे उठ कर मैंने किसका मुंह देख लिया, ये जो ताऊ भैया है ना ऊपर में तो देखने में गोरे गोरे लगते हैं लेकिन अंदर में बड़े कारे हैं भैया, और मैं तो ऊपर में कारो हूँ लेकिन अंदर में बड़ा गोरो हूँ, देखो बलदेव कृष्ण बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बोले बलदेव प्रभु ऊपर में गोरे हैं अंदर में काले, मतलब क्या है, आप कभी वृंदावन में जाओ देखना, जितने बलदेव प्रभु को देखोगे ना जहां जहां श्री दाऊ भैया, कहीं बलदेव प्रभु को गोरे नहीं देखोगे, कभी काले देखोगे, बोले क्यों, बोले वो कृष्ण चिंता करते 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 बलदेव प्रभु काले हो गए, कृष्ण चिंता करते करते काले हो गए हैं, इतने ऊपर में तो गोरे लेकिन अंदर में काले हैं, मेरे को याद करती, बोले मैं ऊपर में कारो तो हूँ लेकिन अंदर में गोरो हूँ, मतलब बोले राधा रानी गोरी है और राधा रानी मेरी आत्मा है, आत्मा तो राधिका एक है, कहते मेरी जो आत्मा है ना वो राधा रानी, इसलिए मैं ऊपर एक कारो लेकिन अंदर में मैं गोरो हूँ, इतने में भैया कृष्ण ने कहा देखो भैया अगर मैंने मिट्टी खाई मुंह से तो मिट्टी खाई, बोले हाँ, बोले तू मेरे मुंह खोल कर देख ले, इतने में मैया के धमकी लगाई तो इतने में कृष्ण का मुंह पट खुल गई, जब खुल गई ऑलरेडी कृष्ण को मुंह में मिट्टी था, अभी कृष्ण डर गए, बोले एक हाथ में तो लठिया है और एक हाथ में कान पकड़ कर रखी, बोले अगर मैया मेरे मुंह से मिट्टी देख लिया ना एक डंडा नीचे नहीं पीठ पर गिरेगा, इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने कृष्ण के छोटे से मुंह में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया, कितने ब्रह्मा कितने शंकर कितने नदी कितने ग्रह कितने नक्षत्र, मैया खुद देख रही थी अंदर में, इतने में मैया को डर गई, हे भगवान ये क्या मैं अलाई बलाई देख रही हूँ, हो ना हो ये लाला मेरे भगवान पे नहीं, फिर कृष्ण डर गए, बोले क्यों, बोले अगर मैया को पता चला मैं भगवान हूँ, जैसे घर में नारायण सालग्राम के लिए छोटी सी मंदिर बना करके रखी, थोड़ी सी मिठाई लेकर बतासा भोग लगा देती है और घंटा हिला करके तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, जैसे मैया भोग लगा कर दरवाजा बंद कर देती, मेरे लिए भी छोटी सी मंदिर बनाकर मेरे को भी बंद कर देती, फिर मैं जो सखाओं के साथ में इतने खेल कूद करता हूँ सब बंद हो जाएगा, कृष्ण डर गए, डरते ही कृष्ण की जो इच्छा शक्ति योग माया ने सब कुछ उन्होंने अंदर ध्यान कर दिया, देखा कुछ नहीं वो छोटा सा मुंह है, वही छोटा सा मुंह है, मेरे मैया ने काले गैया की पूछ से झाड़ा लगवाए, राय नोन की मंत्र करके छिड़काव करवाए, हाँ देखो यहाँ पर एक अच्छी बात को समझो, हम लोग ये बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, बोलो जोर से कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, खाए ना, अरे कृष्ण यहाँ पर झूठ कैसे बोले मैंने मिट्टी नहीं खाया, दुनिया क्या बोलेगा, क्या भगवान जब झूठ बोलते कोई दोष नहीं, जब हम झूठ बोलते हमारी दोष है, दुनिया यही बोलेगा ना, यही तो बोलेगा, लेकिन हमारे श्री बल्लभाचार्य
एक बहुत बड़े संत हुए, वो कहते नहीं ठाकुर कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि भागवत में 33 करोड़ देवता स्तुति करते हैं, बोले सत्य व्रतम सत्य परामति सत्य सत्यस्य ज्वनिं निहितम् च सत्ये। ये 33 करोड़ देवता कह रहे हैं भगवान कौन है, बोले पहले भी जो सत्य थे अभी भी सत्य, जो बाद में सत्य रहेंगे, जो सनातन है ये भगवान है। पर भगवान फिर झूठ कैसे बोल सकते हैं, बोले अभी जो झूठ बोल दिए। तब बल्लभाचार्य उनने 2 उदाहरण देकर समझाए कृष्ण कैसे झूठ नहीं बोला, अब भी समझो। कहते भैया खाना किसको कहते हैं, जब कोई वस्तु हमसे अलग हो हम खाए उसको खाना तभी तो कहेंगे ना। कृष्ण ने कहा मैया ये तो विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में है, जब विश्व ब्रह्मांड मेरे में फिर मैंने खाना कब खाया, मैंने मिट्टी कब खाई, दुनिया तो मेरे में ही है ना, समझ रहे कि नहीं। इसलिए उसको खाना नहीं कहते, दुनिया मेरे में पहला। दूसरा है इसमें कुछ संस्कृत का कुछ विचार है, जैसे ना अहम भक्षी तवानम भो, ये शब्द के जब अलग कर देते ना, ना अहम मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई, लेकिन ये शब्द के जब अलग नहीं करके एक कर देते हैं तो शब्द होता है नाहम। नाहम का पर्यायवाची में एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। बोले भैया तुम मिट्टी की क्या बात करती हो, ये विश्व ब्रह्मांड तो मैंने खा करके रखा, तेरे को विश्वास नहीं हो रही है, देख ले मेरे मुंह को देख ले है। इसलिए भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अभी प्रश्न है फिर भगवान ये ब्रज रज दिए का किसको, बोले माँ ये विश्व ब्रह्मांड ब्रज रज के लिए तरसते हैं, मैंने अकेले फिर ब्रज रज थोड़ी खाई, देख ले ये विश्व ब्रह्मांड को कितने ऋषि मुनि ब्रह्मा शंकर ये सबको सबको मैंने ये ब्रज रज दिया है, क्योंकि ब्रज रज की इतने महिमा है। कहते ना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां के सब के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है क्या हम श्री वृंदावन वासी है। बोले मैया ये ब्रज रज के लिए विश्व ब्रह्मांड तरसते हैं, विश्व ब्रह्मांड को मैंने ब्रज रज दिया है, सब को मैंने धन्य कर दिया है, बसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन में सुनो, मुकुट सिर लोर का मेरे चित चोर का, गुने 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 सरिता रे रखने में कथा रे गुने सरिता रे रखने में कथा रे मुकुट सिर लोर का मेरे चित चोर का, गुने 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 सरिता Thank you.
Thank you.
यशोदा की गोद में दूध पीते थे, जब मैया कन्या को मक्खन खिलाया करती थी, ब्रज में जितने गोपियां थी इनकी मन में भी इच्छा हुआ करती थी, क्या कृष्ण कभी हमारी घर में भी आएंगे, कृष्ण कभी हमारी मक्खन भी प्रभु ग्रहण करेंगे। अभी गोपियों की भावना को समझते हुए एक दिन कृष्ण सखाओं को बुलाए, बोले सखाओं आज हम एक नया खेल खेलेंगे। अगर बच्चों को नया खेल की बात बताओ खुश हो जाते हैं। बोले कन्या भैया कौन सा नया खेल है करें? बोले देखो हम लोग चोरी करेंगे। बोले चोरी गंधा का? बोले देखो रुपया पैसा थोड़ी चोरी करेंगे, हम लोग तो खाने पीने का चीज चोरी करेंगे। कृष्ण ने देखा दूसरों घर में चोरी करने से पहले अपना घर में चोरी करके देख लेता हूँ, पकड़ में आता हूँ कि नहीं, फिर तो दूसरे घर में चोरी करूंगा। एक दिन मैया की नजर बचा तो हुई कृष्ण अपना घर में कृष्ण मक्खन खा रहे थे। नंद बाबा का घर हीरे जवाहरातों से बना हुआ, जो पिलर मणि से बनी हुई। कृष्ण जब मक्खन चोरी कर रहे थे, अभी कृष्ण का उम्र 2.5 साल है, उनको पता नहीं ये परछाई भी कोई चीज होता है। जब कृष्ण मक्खन चोरी चोरी करके खा रहे थे, इतने में इनका परछाई मणि स्तंभों के ऊपर में पड़ा। कृष्ण को ऐसे लगा मानो आज मेरे घर में मेरे जैसे और कोई एक व्यक्ति आकर के ये मक्खन चोरी कर रहा है। इतने में कृष्ण देखा, ये तो देख लिया, फिर मैया को बोल देगा। सोचा इसको मैं अपना दोस्त बना देता हूँ। बोले देख भैया तू भी मक्खन खा, मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैया को ये बात बोलना नहीं। जैसे चोर चोर मौसरी भाई परछाई भी वही बोला। कृष्ण बोले तू मेरे घर में चोरी कर रहे हो, मेरे को उपदेश दे रहे हो, अभी परछाई भी वही बोलता है। कृष्ण तो अपना परछाई से ही लड़ाई करना शुरू कर दी। मैया पास घर में काम कर रही थी, अभी सोच रहे हैं भैया घर में तो कोई है नहीं, फिर कृष्ण किससे लड़ाई कर रहा है। मैया धीरे धीरे आ करके देखा कृष्ण अपना परछाई से ही लड़ाई कर रहा था। बोले देखो कितने भोले वाला है। इतने में मैया बोले लाला तू किससे लड़ाई कर रहे हो? कृष्ण देखा भैया, मैया भी देख लिया, कृष्ण छलांग लगाए, वो जो पिलर था ना जिसमें परछाई दिख रहा था, कृष्ण वो परछाई को ऐसे पिलर को ऐसे पकड़ लिए। बोले मैया मैया हमारे घर में एक चोर घुस आयो है। बोले कहाँ पर? बोले इसके अंदर में। बोले ये बताओ घर में तो चोर आ गया, लेकिन ये तेरे हाथों में मक्खन कहाँ से आ गया? बोले भैया ये बात भी सही है। बोले भैया तुमने मेरे हाथों में जो मणि की कंगन पहना दी थी वो गर्म हो गया था, मैं मक्खन में डाल करके मैं ठंडा कर रहा था। बोले हाथ को तो ठंडा कर रहा था, लेकिन तेरे मुंह में मक्खन कहाँ से आया? बोले भैया ये भी सही। बोले भैया मुंह में जो चिट्ठी चल रहा था वो चिट्ठी को मैंने हटाने के लिए गया ना, इतने में मुंह में भी मक्खन लग गई। भैया बोले लाला तुम मेरा अकेला लाला हो, जो कुछ बनाती हूँ मैं तेरे लिए बनाती हूँ, पर ये चोरी करने का क्या जरूरत है? कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार मैंने चोरी की तो पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर चोरी जिंदगी भर ही पकड़े जाऊंगा। एक कृष्ण किसी गोपी के घर में मक्खन चोरी करने के लिए घुसे। वो गोपी सोच रही है कृष्ण तो आते हैं, एक बार तो कृष्ण दर्शन मिलता, फिर कृष्ण भाग जाते हैं,
फिर कृष्ण दर्शन नहीं मिलता। आज अपना घर में कृष्ण को मैं बांध करके रखूंगी और पास में बैठ करके ना जी भर करके कृष्ण को मैं दर्शन करूंगा। तो गोपी बड़े सुंदर मटकी में मक्खन भर दी और घर के कोने में चुपकी से बैठी हुई थी। कृष्ण इधर देखे उधर देखे, जब देखा कोई है नहीं, बिल्ली जैसे धीरे धीरे अंदर में चलते हैं ना, ऐसे बिल्ली जैसे उन्होंने धीरे धीरे अंदर में गए। और कृष्णा जब मक्खन खा रहे थे, गोपी तो देखकर गदगद हो गई, आज मेरी बनाना सार्थकता हो गया, क्यों आज कृष्ण मक्खन खा रहे हैं। जब कृष्ण मक्खन खा लिए, इतने में वो गोपी जाकर कृष्ण को झट पकड़ लिए, बोले कहा जाओगे, आज तेरे को मैं घर में बांध करके रखूंगी। कृष्ण ने कहा गोपी और आईंदा मैं कभी नहीं आऊंगा, तेरे पाप पड़ता हूँ, तेरे खसम के पाप पड़ता हूँ, तेरे ननद की जेठ की, आज छोड़ दे। बोले नहीं, आज घर में बांध करके रखूंगी। बोले ये खंभे में हाथ रख, कृष्ण खंभे में हाथ रखे, वो गोपी अपना चोटी से जो रिबन था निकाली। जब बांधने के लिए गई, भगवान का हाथ तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, वो बांधने के लिए गई तो बंधने में नहीं आई, खिसक जाए। इतने में कृष्ण ने कहा क्यों गोपी, तुमने कभी जिंदगी में बंधी गई भी नहीं। बोले नहीं। बोले भैया जब तक तुम बंधी नहीं जाओगे दूसरों को कैसे बांधोगे। बोले कन्हैया क्या तेरे को बांधना आता है। बोले और क्या। बोले थोड़ी सी सिखा दे। बोले रख ये खंभे को हाथ रख, सिखाता हूँ। कृष्ण एक लपेटे दो लपेटे, एक गांठ दो गांठ और गुण गांठ अच्छी तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या, मैं तो बड़े बड़े ज्ञानी योगी और भोगियों को भी अपना प्रेम रज में विश्व ब्रह्मांड को मैं बांध करके रखता हूँ। बोले लाला हाथ खोल दे। बोले भाई गोपी मैंने तो अभी तक किसको खोलना सिखा नहीं, मैं तो दुनिया को अपना प्रेम में बांधना ही सिखा है। इतने में कृष्ण अंगूठा दिखाए, नौ दो बारह ग्यारह हो गए। अभी ब्रज में एक नई गोपी आई, वो लिखी पड़ी थी, बड़े समझदार लड़की। अभी इसको पता चला कृष्ण घर घर में तो मक्खन चोरी करते हैं, लेकिन इसकी पकड़ में नहीं आते, इसकी पकड़ में नहीं आती। गोपी बड़ी लिखी पड़ी जबरदस्त चालाक चतुर थी। बोले मैं देख लूंगी कृष्ण कैसे मक्खन चोरी करते हैं। बोले चीज ना रखे अपनी चोर न गाली दे। वो गोपी तो सवेरे सवेरे लठिया लेकर घर को सामने सीधा बैठी गई। बोले देख लूंगी कैसे चोरी करते हैं। कृष्ण एक चक्कर लगाए, देखा वो गोपी बैठी हुई हट नहीं रही है। कृष्ण दूसरे चक्कर लगाए, देखा ये गोपी हटी नहीं। कृष्ण तीसरे चक्कर भी लगा दिए। जब तीसरे चक्कर लगाए, गोपी ने कहा कन्हैया आज दाल गलने वाले नहीं, आज मैं बैठी हूँ। कृष्ण ने कहा मैं तो किसी सुबह काम में जा रहा था, तुमने मेरे को टोक दिया। बोले तेरे सारे नारी नक्षत्र मेरे को पता है, तू कहाँ क्या करता नहीं करता मैं सब जानती हूँ। अगर भविष्य में दो बार ये गली में आया ना, सीधा पकड़ करके भैया के पास में ले जाऊंगी। कन्हैया तो दूसरे दिन में वो गली में ही आना भूल गए, वो डर से आए नहीं। लेकिन ये गोपियों को कृष्ण की मुख दर्शन किए बगैर इनके चैन कहाँ पड़ती है। एक प्रहर हो गया, दो प्रहर हो गया, जब तीन प्रहर हो गया, वो मक्खन चोर का मुख दर्शन नहीं मिली। गोपियां तो एकदम छटपट छटपट करने लगी, जैसे किसी मछली को पानी से जैसे निकाल लो। बोले आज दिन भर कृष्ण का मुख दर्शन करने को नहीं मिलो। ये जितने गोपियां ना झूठ के झूठ बना करके मैया के घर में आ गई। बोले क्यों, कृष्ण को दर्शन करने के लिए। इधर कृष्ण खड़े, मैया इधर खड़ी है, लेकिन शिकायत तो मैया को करेगी ना, लेकिन कृष्ण के तरफ में तो देख रही थी तैसी नजर से और मैया से शिकायत कर रही थी। बोले मैया मैया लगता है हमको ये गोकुल छोड़कर और किसी गांव में जाना पड़ेगा। बोले क्यों। बोले तेरे लाला हमारे घर में रोज रोज मक्खन चोरी करता है। मैया ने कहा एक काम करियो, मेरे लाला अंधकार को बड़ा डरता है, अंधकार में रख लो फिर लाला चोरी नहीं करेगा। बोले मैया मैंने सो करके देख लिया। बोले फिर। बोले तू लाला का शरीर में जो हीरे जवाहरा जो गहना पहनाती हो, वो अंदर में जाते ही अपने आप उजला हो जाता है। बोले गहना उतार को। बोले तेरी सौगत हाथ भी मत लगाइयो। बोले क्यों। बोले तेरे लाला के जो नख है ना, ये नख में इतने प्रकाश है, कभी ये नख का प्रकाश से ही अपने आप घर उजला हो जाता है। इसलिए हमारे वेद कहता है भैया ये ब्रह्म है क्या जी। ये उपनिषद कहता है
बोले जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति विरनम। जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते वो ब्रह्म कौन है? बोले भगवान की अंग की कांति है, भगवान की नख की जो प्रकाश है, ये ब्रह्म है। इतने प्रकाश है, बोले अपने आप घर उजाला हो जाता है। मैया बोली एक काम करियो मेरे लाला छोटो सो, ये जो मक्खन है ना छिके गोबर रखा करो, फिर लाला का हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले मैया सो भी करके देख लिया। बोले फिर घर में कोई जीने कोई घर में कोई जीने बना कर रखे हो? बोले जीने बनाने का जरूरत नहीं, तेरे परमात्मा ने इतने दिमाग दार बनाए वो स्वयं जीना बना ही लेता है। बोले कैसे? बोले दाव भरिया थोड़े मोटो सो, उनको नीचे बैठा देते हैं, उसको ऊपर में श्रीदार, उसको ऊपर है मधुमंगल, और उसको खुद उसको ऊपर चढ़ जाता है और वहां से उतार देता है। मैया ने कहा एक काम करियो, नीचे का जो मटकी में कुछ मत धरियो, बीच का मटकी में ये मक्खन दूध दही बीच में धरो और ऊपर में मत धरा करो, फिर तो खा नहीं सकता है। बोले मैया सो भी करके देख लिया। बोले फिर? बोले जिसमें माल होता है ना, पहले तो पहले मिट्टी का पात्र होता था, वो अपनी आप गिली गिली दिखती है, वो डंडे लेकर के इसे मारते हैं। और जिसमें माल हो देखना उसमें आवाज नहीं आएगी, और जिसमें माल नहीं उसमें आवाज आता है। बोले देखते हैं जिसमें माल है ना, वह डंडे से उसको फोड़ देते हैं और उत्तर करके एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं देते, सबके सब सटका जाते हैं। हमने सो करके देख लिया। मैया ने कहा लाल देखो गोपियां ऐसे काम करो, मेरे लाला जितने मक्खन खाता है ना मेरे से उससे दो गुना ले लिया करो। बोले माँ तेरी आशीर्वाद से घर में किसी चीज की कमी नहीं। फिर कृष्ण को दर्शन करते हुए गोपियां वापस आ जाती हैं। एक दिन गोपियों ने एक मीटिंग की, बोले पता नहीं कृष्ण कब आते और कब मक्खन खा कर चले जाते, किसको पता नहीं चलता। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले ये छीके में एक बेल लगा दो, घंटी लगा दो, जब कृष्ण मक्खन का एक घंटी अपने आप बजी उठेगी, फिर पता चलेगा कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे हैं। इतने में वो छीके में एक घंटी लटका दी। कृष्ण सखाओं के साथ में आए, ऊपर में देखा, भैया ये क्या है, ये क्या नया फांद है? कृष्ण समझ गए मेरे को पकड़ने के लिए फांद बनाए। कृष्ण ने वो घंटी से बोले भैया तू है कौन? बोले मैं आपका सेवक हूँ। बोले मैं कौन हूँ? बोले आप मेरे प्रभु हो। बोले ये बताओ प्रभु का प्रति सेवक का क्या कर्तव्य है? बोले आदेश पालन करना। बोले देख जब तक मैं मक्खन खाऊंगा तब तक बजना नहीं, जब मैं मक्खन कहकर चले जाओ फिर बज उठना। बोले ठीक है प्रभु जी। कृष्णा मक्खन निकाले और जब बैठ करके मक्खन खाना शुरू कर दिया ना, वो घंटी तो अपने आप बज उठी। बोले तू बज रहा है क्यों? बोले प्रभु का आप पता नहीं, जब तक घंटी नहीं बजाते ना तब तक ठाकुर को भोग नहीं लगता है, इसलिए जब घंटी बज उठी कृष्ण जल्दी जल्दी खाए और 9-10-11 वहां से हो गए। अभी एक गोपी रोज रोज बोलती है मैया को, बोले मैया तेरे लाला मेरे घर में रोज रोज मक्खन चोरी करता है। मैया कहती भैया मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरे घर में अगर कभी किसी चीज हो ना फिर तो लाला किसी दूसरे घर में चोरी करेगा, मेरे घर में ही 9 लाख गैया है। आप लोग नंदगांव कोई गए हो? नंदगांव कौन कौन नंदगांव गए हो? वहां पर देखना एक कुंड है जिसका नाम छाछ कुंड है, मतलब छाछ पीने वाले लोग नहीं थे वहां, तो दूध दही की नदी बहा करती थी। 9 लाख जहाँ पर गैया है, अभी भी एक मटकी नंदगांव में हम देखने के लिए, इतना बड़ा मटकी है, पता नहीं कितना क्विंटल उसके अंदर में दूध दही दूध आ जाएगी उसके अंदर में। कहते मेरे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी है, मेरे लाला तुम्हारी घर में मक्खन चोरी करने जाएगा। देखो अगर रंगे हाथों से पकड़ा करके दिखा दो ना फिर तो मैं तभी मानूंगी। बोले ठीक है कल मैं दिखा दूंगी। वो गोपी बड़े सुंदर मटकी में दूध दही मक्खन रख करके वो घर की कोने में चुपके से बैठ गई। बोले आज कन्या को पकड़ करके भैया को पास में ले जाऊंगी। कृष्ण आए, आगे देखे पीछे देखे इधर देखे उधर देखे, देखा कोई नहीं, और बिल्ली जैसे धीरे धीरे अंदर में जाते हैं ऐसे धीरे 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 अंदर में गई और मटकी उतारे और मक्खन खाने लग गए। जब कृष्ण मक्खन खा लिए इतने में गोपी जा करके झट पकड़ लेती है। बोले आज कहाँ जाओगे, तुम्हारी मैया मानती नहीं, तू घर में मक्खन चोरी करते हो, चल मैया को पास में। कृष्ण बोले गोपी मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही चोरी कर रहा था। बोले अपना घर में चल मैया को पास में, मजा चखाती है।
बल आज छोड़ दे, तेरे पाप करता हूँ, तेरे ननद की, तेरे सास की, तेरी भिचुआ की छोड़ दे, कल से मेरे नहीं आऊंगा। बोले नहीं, चलो मैया के पास में। अभी पकड़ करके ले आई, जब ले आई, जब आई सामने, देखा घर को सामने श्री नंद बाबा बैठे हुए। ये नंद बाबा लगते थे जेठ, आपको पता होगा पहले जेठ के सामने कोई नहीं जाते थे, पर्दा करते थे। जब उन्होंने देखा जेठ बैठा हुआ, तो अपना घुंघटा को उतार दी और कृष्ण को ऊपर में एक कपड़े से ढक दी। बोले स्त्री स्त्रियों का बाप, पीछे दरवाजा से फिर मैया को मैं दिखा दूंगी। जब पीछे दरवाजा से गई, जोर जोर से आवाज लगाई, बोले मैया जसोदे। मैया बोली कहा बात है? बोले तू मानती नहीं ना, तेरे लाला हमारी घर में मक्खन चोरी करता है। मैं तो आज रंगे हाथों से मैं पकड़ करके लाई। लेकिन मैया जसोदा उसी समय में कृष्ण को पलंग के ऊपर में थपथपी लगा करके सुला रही थी। बोले क्यों? कृष्ण भगवान है ना, वो तो एक साथ में करण रूप ले सकते हैं। हाँ भगवान है। इतने में बोले मेरे लाला तो घर में सो रहा है, पर ये किसको पकड़ करके लाई है? मैया बाहर निकल करके आई, देखा उसका बेटा, जब उसको अपने कपड़ा करता ना, कृष्ण उसका बेटा ही बन गया। देखा अपना बेटे को ही पकड़ करके लाई। बोले कहा बात है? बोले तू मानती नहीं ना, तेरे लाला को रंगे हाथ से पकड़ करके लाई। बोले लगता है भांग की गोला ज्यादा खा लिए। अरे मेरे लाला तो अंदर से सो रहा है, तू तो अपना लाला को पकड़ करके लाई। वो अपना घुंघटों को उतारी और बच्चे के ऊपर जब कपड़ा को निकाली ना, देखा अपना बेटा और कृष्ण अंदर में सो रहे थे और आंख को मलते 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 आए। बोले भैया तुमने देख लिया, ये गोपी कितने झूठ बोलती है, मैं कभी घर छोड़कर बाहर जाता ही नहीं, अगर ये इसे झूठ बोलेगी ना, फिर तो मैं रोज रोज सतमुच से जाया करूंगा। इतने में वो गोपी तो बड़ा आश्चर्य में पड़ी गई। बोले भैया ये क्या हो गया? दरवाजा तक तो ठीक था, लेकिन जब कपड़े ढक दिया, ये बदल गया कैसे, ये बदल गया कैसे? इतने में वो गोपी इतना शर्मिंदा हो गई, इतने शर्मिंदा हो गई, जब वापस जा रहे थे ना, कृष्ण फिर घूम करके आ गए। बोले क्यों गोपी? कहा बात है? मैंने कितना तेरे पाप पड़ा, कितने तेरे हाँ मनाया, तुमने मानी नहीं ना। देखा मैंने तुम आज तुम्हें अपना बेटे को ही मैंने चोर बना दिया, अगर भविष्य में मेरे को दो बार पकड़ करके लाओगे ना, तेरे खसम को चोर बना दूंगा। गोपी बोली कन्हैया मैंने हार गया, तू जीत गए हो, मैं हार गया तू जीत गए हो। ऐसे ही कृष्ण घर घर में प्रभु मक्खन चोरी करते थे। जब मक्खन चोरी करते थे, एक दिन मैया जसोदा कृष्ण से बोली, बोले कन्हैया लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन होगा। बोले मैया मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ कैसे शादी होगा? पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, तू घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा? लगता है तू कुंवर का कुंवर रह जाओगे, तेरी शादी बाज नहीं होगी। कृष्ण तो बड़े चिंता में पड़ गए। बोले भैया दुनिया तो शादी के लिए पागल होता है, पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी दुकान वगैरह क्यों बनाता है बताओ? वो शादी के लिए बनाता है ना। लेकिन मैया कहती है तुम्हारी शादी नहीं होगी। मैया कहती ऊपर में किसको चढ़ने नहीं देना, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति रहो, कोई भी ऊपर को आने नहीं देना, नीचे उतर। इसलिए मैया कहती मेरी शादी नहीं होगी। कृष्ण ने मैया को उसने ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, मैया को विश्वास हो गया सचमुच से मेरे लाला मखन नहीं चोरी करती है। देखो कृष्ण क्या कहते हैं, बोले मैया मोरी, भजन अब गा सकते हो? मैया मोरी मैं नहीं मान खा, कैयन के पाछे मधुबन मोई पठाई, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, कि भोर भयो कैयन के पाछे भोर भयो कैयन के पाछे मधुबन मोई पठाई, मैया मोरी मैं नहीं मा
भगवान ये मक्खन चोरी प्रभु जी अभी लटका करो अभी चुपचाप बैठ जाओ जब कीर्तन होगा तब लटका नहीं। इसलिए गोपियों ने बड़ा सुंदर एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया। कहते इसका नाम है मक्खन। क्या नाम है? कहते मक्खन। ये मक्खन का मतलब क्या होता है? बोले मख मतलब होता है क्रोध और ना मतलब होता है नहीं। ठाकुर जी किस चीज की चोरी करते हैं? बोले जिनके हृदय में ये काम क्रोध लोभ मोह और मद मात्सर्य नहीं, ठाकुर जी उसी चीज को ही चोरी करते हैं। भैया ये काम क्रोध लोभ किसकी हृदय में नहीं? बोले ये संतों का हृदय में नहीं। भैया इस संतों में सबसे बड़े संत कौन है? बोले ब्रज की गोपियां। इनके जैसे संत दुनिया में कोई नहीं। इसलिए इनका नाम गोपी। गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना। जो नित्य निरंतर अपना इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पीती है, इसलिए ये गोपी हैं। जिसको गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय ही ये नवनीत मक्खन है। ठाकुर जी मक्खन चोरी करने नहीं जाते थे, ठाकुर जी भक्तों के हृदय को चोरी करने जाते थे, गोपियों के हृदय को चोरी करने जाते थे। भैया चोर किसको कहते हैं? जब किसी पराई घर से कोई चीज ले, भैया विश्व ब्रह्मांड तो उन्हीं का ही है, फिर उन्होंने चोरी किसको किया? इसलिए एक सुंदर उदाहरण देकर समझाए। आप लोगों ने अपना घर में मक्खन बनाए हो? कौन कौन मक्खन बनाए? हाथ उठाओ। कौन कौन अपना जीवन में घर में मक्खन बनाओ? देखो एक सुंदर उदाहरण दिए। मक्खन बनाने के लिए सबसे पहले दूध लाओ, पहले ये दूध को गर्म करो। बोले ये दूध को गर्म करना मतलब क्या है? बोले जब किसी के हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगे, भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगे, हमें भगवान कैसे मिलेंगे, ठाकुर जी कैसे मिले, ठाकुर जी कैसे मिले, इसको कहते हैं गर्म करना। जैसे ध्रुव महाराज, जब इनके हृदय में उत्कंठा जगी भगवान कब मिले, भगवान कब मिले, भगवान कब मिले, फिर भगवान ने क्या किया? श्री नारद जी को भगवान भेज दिया। बोले नारद जी जाओ ध्रुव जी को मंत्र देकर के आ। दूध गर्म मतलब है हृदय में उत्कंठा। उसके बाद में फिर क्या होता है? फिर उसमें जमन डालो, उसमें जमन डालो। बोले ये जमन क्या है? बोले गुरु जी से जो भगवान का नाम हम ग्रहण करते हैं, जैसे कृष्ण राम राधे, ये जो नाम ग्रहण करते हैं तब यही जमन है, यही जमन है। अभी जमन डाल दिया तो गुरु जी से मंत्र लिए, अभी दही जम गया। अभी जब दही जम गया फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? बोले फिर उसको मंथन करो। बोले भैया मंथन करने का मतलब क्या? मंथन मतलब होता है, अभी ध्यान देकर सुना, जैसे हमने गुरु जी से मंत्र लिया, अगर मंत्र ले करके माला ले लिया तो गुरु जी से,
अगर माला को लटका करके रख लोगे क्या फिर तुम्हें भगवान मिल जाएंगे? जैसे हमने टिकट बनाया यहाँ से बम्बे जाने के लिए, अगर ये टिकट को अगर पकेट में रख लोगे क्या बम्बे पहुंच जाओगे? आपका रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, अपना कोच देख करके नंबर में बैठना पड़ेगा, फिर तो जाकर बम्बे जाओगे ना। गुरु जी से तो हमने माला ले लिया, अगर ये माला को अगर लटका कर रख लो क्या भगवान मिल जाएंगे? नहीं। इसलिए क्या करने चाहिए, भगवान का नाम को साधन करो। क्या करो? ठाकुर जी की नाम की साधन करो। देखो एक छोटी सी कथा सुना, ध्यान देकर सुना। मतलब एक समय गुरु जी की दो चेले थे। कितना चेले थे? दो चेले थे। उन्होंने दो चेले को उन्होंने एक मुट्ठी उन्होंने चाना दिया। ध्यान देकर सुनो, दोनों चेले को एक मुट्ठी उन्होंने चाना दिया। मतलब देखो 4 साल के बाद में तुम दोनों से ये चाना भर में वापस लूंगा। एक चेला ने कहा, गुरु जी ने कहा, भैया 4 साल के बाद में वापस चाहिए। उसने कपड़े में बांध करके ना उसने लक में रख लिया, ताला बंद कर दिया। 4 साल के बाद में गुरु जी को देना पड़ेगा। लेकिन एक चेला ने क्या किया, जब एक मुट्ठी चाना दिया था उसने खेती में बो दिया तो दूसरा साल 3-4 किलो चाना हो गया। पर दूसरा साल 3-4 किलो चाना को उन्होंने फिर उसने जमीन में बोया तो तीसरा साल में करी हो गया 10-15 किलो हो गया। फिर जब उसको बोया है ना खेती में, पूरा एक घर भर गया, चाना में एक घर भर गया। गुरु जी 4 साल बाद में आए, बोले बच्चों मेरे चाना वापस दो। जिस चेला ने वो चाना को लक में बंद कर दिया था, अब किस चाना को बांध करके लक में बंद कर दो क्या होगा, घुन लग जाएगी, कीड़े लग जाते हैं। उसने जब खोला देखा पूरा के पूरा कीड़े लगे हुए। दूसरे चेले को बोले भैया तू चाना दे। उन्होंने गुरु जी को बोले गुरुदेव इतने चाना आओ देखो। उन्होंने जब घर को खोला पूरा घर में भरा हुआ चाना, पूरा घर में चना ही घर है। बोले वाह, आप बताओ ये दोनों चेले में कौन सही चला है? बोलो सही चला कौन है? देखो गुरुदेव ने हमें माला दिया है, अगर ये माला को तुम बंद करके रख लोगे फिर क्या होगा, घुन उसमें कीड़े लग जाएंगे। अगर प्रभु का नाम को अगर जप करोगे ना, इसलिए मीरा कहती है ना, दीन दीन बड़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब भगवान के नाम को हम जप करेंगे ये धन कभी घटेगी नहीं, ये धन बढ़ते रहेगी घटेगी नहीं। ऐसे नहीं गुरु जी ने माला दे दिया। देखो ध्यान दे करके, जब गुरु जी से माला लिए हैं, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे ये माला नहीं स्वयं भाग्य बिहारी तुम्हारे पास में आए, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। ये माला कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए। अगर एक दिन हमने माला जप नहीं, क्या मतलब है आज ठाकुर जी दिन भर भूखे रहे, खाना नहीं किया, स्नान नहीं किया, भगवान कपड़ा नहीं बदले, ठाकुर जैसे तैसे रख दिया, ठाकुर जी जैसे तैसे बैठ गए हैं। इसलिए माला को कभी भूखे नहीं रखनी चाहिए। एक दिन खुद भूखे रह जाओ, खुद खाना मत खाया करो। शास्त्र कहता है, भागवत का श्लोक है, बोले जीवन सब भगवता रंग्री। अगर ये जीवन में भजन नहीं हो पाया ना, भागवत कहता है जीवन सबो, जीवित अवस्था में भी तू मरा है, या तो जिंदा तू नहीं तू मरा हुआ हो, क्योंकि ये जीवन प्रभु भगवान भजन के लिए दिया। अगर भजन नहीं होगा ना, वो संत कहते प्राण त्याग दे दो, रख रहे क्या करोगे दुनिया में, बताओ करोगे क्या दुनिया में, खाओगे पियोगे तो मर जाओगे ना। इसलिए वो कहते हैं मर जाओ तुम, जिंदा रहने का तेरा कोई अधिकार नहीं दुनिया में, शरीर छोड़ तो मर जाओ तुम। इसलिए अभी गुरु जी से माला लिए, मतलब जमन डाल दिए, अभी उसको मंथन करो। बोले मंथन मतलब क्या है? बोले साधन करो। लेकिन जब मंथन करोगे भगवान के नाम को साधन करोगे फिर क्या निकलेगा, उसमें फिर मक्खन निकलेगा। एक तरफ में मक्खन, दूसरे तरफ में छान। बोले भैया ये मक्खन क्या है? बोले भगवत प्रेम। ये मक्खन नहीं भगवत प्रेम। जब मक्खन निकलेगा फिर क्या होगा, कृष्ण दौड़ दौड़ करके आएंगे और ठाकुर जी वो मक्खन को फिर खाएंगे। ये मक्खन चोरी का मतलब है, ये मक्खन चोरी मतलब होता है
कृष्ण गोपियों के हृदय में जो प्रेम है वो प्रेम को चोरी करने के लिए ठाकुर जाते थे, मक्खन खाने नहीं, वो मक्खन नहीं गोपियों के हृदय की चोरी करने के लिए जाते थे। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय, जय श्री राधे। हाँ अभी बच्चे लोग तैयार किए, हाँ अभी बांध दो यहाँ पर, अभी फटाफट बांध दो, और वो बच्चों को लेकर के आ जाओ, ठीक है बच्चों को ले आओ। प्रभु जी एक भजन ऐसे गाना जो मक्खन चोरी का कोई भजन है ना, हरे कृष्णा। अब जो दो बहन थी ना जो भजन गाती है ये सामने आ जाओ, मधुबन कल उनको दो बहन ही सामने आ जाओ। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय चैतन्य नाम ले गोति विषय नमा। हे कृष्ण कर्मा सिंधु दीन बंधु जगपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमास्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणामे हरि प्रिय वृंदावन तुलसी देवो प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम अनुपम माधुरी हमारे श्याम श्याम की अनुपम माधुरी हमारे श्याम श्याम की रसीली श्याम श्याम मत
श्याम श्याम की अहो के श्री भले
जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हल्ले आप बच्चों को ले आ गोकुल की गलियों में नच जाया सो माखन खाए गए माखन चले आ बच्चों नटी खटी नटी खटी की सो माखन खाए गए माखन चले आ बच्चों Oh,
अनिल से बैठ जा, अनिल से इधर आ जा, अनिल को कहाँ गया? ओए अनिल को बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब एक बार हाथ उठा के बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। डोंट स्पीक राम, कोई हाथ नहीं उठा रहे हो भगवान। हाथ अगले जीवन में मेरा हाथ नहीं देंगे ठाकुर जी, पर जोर कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। देखो इधर सुना, हमारे बीच में एक प्रभु जी है, इनका नाम श्री अनिरुद्ध प्रभु जी। अभी ये थोड़ी सी आपको भगवान की कथा सुनाएंगे। ये जो बच्चा है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका जो तनख्वाह 1,00,000 रुपया इसकी तनख्वाह है। लेकिन देखो ये बच्चा पढ़ता भी है, नौकरी भी करता है और भगवान की भक्ति भी करता है, भगवान की भक्ति भी करता है। ऐसे नहीं ज्यादा लिखा पढ़ा सीख गए, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये सब भगवान भगवान बेकार है। अभी ये बच्चा कुछ नौजवान बच्चों के लिए कुछ बोलेंगे, और वो हमारी जो भक्ति एक साइंस ही है, भक्ति ही एक प्रॉपर साइंस ही है। ये बच्चा उसी विषय पर कुछ अच्छी अच्छी बात बताएगा। आप लोग सब ध्यान देकर सुनो, जितने बच्चे हैं हरे कृष्णा, जितने बच्चे सब ध्यान से सुनो, अच्छे तरह से सुनो, बच्चे बड़े बूढ़े अच्छे तरह से सुनो। ये कुछ आप अच्छी कथा सुनाएंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरु मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य। गुरुदेव ने आज्ञा दिया है कि आज आज जो थोड़ा समय बदल गया है, हरे कृष्णा, अभी जो समय बदल गया है, जैसे ज्यादा करके कंप्लेन ये है कि जब बच्चों को कोई बात बता दे ये करो तुलसी परिक्रमा करो भगवान की पूजा करो, तो स्वाभाविक रूप में बच्चे प्रश्न करने लगे हैं कि ऐसा क्यों हम करें, उसके पीछे का रहस्य क्या है, ये कोई भी काम हम कर रहे हैं उसके पीछे हमें क्यों करना चाहिए, कारण क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है। अक्सर करके जो देखने में आता है कि हमें बात तो पता है कि हमें ये करना चाहिए लेकिन क्यों करना चाहिए ये नहीं पता, कारण हमें पता नहीं, और ये कारण हमें क्यों नहीं पता क्योंकि किसी किसी को तो सारी जिंदगी निकल जाती है, गीता भागवत रामायण कभी छूकर ही नहीं देते, कभी पढ़ा ही नहीं कि क्या गीता में लिखा है क्या रामायण में लिखा है क्या भागवत में लिखा है, उसको छुआ ही नहीं। अब जब हमने छुआ ही नहीं तो हमको पता ही नहीं, अब जो कोई पूछेगा तो क्या बताए, कुछ बता ही नहीं सकते, ठीक बात है ना। ये अभी देखो साधारण करके आप में से कितने लोग हैं, देखो हाथ उठाना, जिनके मन में ये प्रश्न है कि हम जो सोचते हैं कि बच्चे बात, हम हमारे बच्चे को दिन भर कोशिश करते हैं बेटा ये मत करो वो मत करो ये करो ये करो, कभी वो बुक उठा करके पढ़ते नहीं है, और ये तुम्हारी बेटी खेलने के समय पे बैठ करके बुक पढ़ रही है, तुमने क्या इसको बताया,
आप हमें भी बताओ ताकि हम भी हमारे बच्चे को उस प्रकार से सिखाए ताकि वो भी वैसा करे। ठीक बात है ना? आपको कितने लोगों को ये बात जानना है, हाथ उठा करके बताओ कि हम भी ये बात हमारे बच्चों को बताएं तो बच्चा करे। जानना चाहते हो ना? देखो उसने एक रहस्य की बात बताई। वो जो महिला थी ना, जो माता जी थी, उसने एक रहस्य की बात बताई। बोला मैं मेरी बेटी को कभी बोलती नहीं कि तू ये करो वो करो। मैं क्या करती हूँ? मैं खुद लेकर के बुक पढ़ू। मैं क्या करती हूँ? मैं खुद लेकर के पढ़ती हूँ गीता। जब मैं दिन भर लेकर के जब टाइम मिलता है मैं गीता पढ़ती हूँ, तो मेरी बेटी देखती है कि माँ क्या कर रही है। जो वो बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे देखते हैं। क्या करते हैं? अगर हम उनको सुनाएंगे तो वो सुनने वाला कोई नहीं है, अगर हम उनको दिखाएंगे तो वो देख करके सीख जाएंगे। सच बात है ना? आप सभी में से आप कितने लोग बताओ, आप में सब कितने लोगों ने लव और कुश का नाम सुना है? कभी भी जिंदगी में नाम सुनाओ, उधर प्रभु जी लोगों में से किसी ने हाथ नहीं उठाया। लव कुश का नाम सुना ना? लव कुश का नाम लगभग सबने सुना। आप मुझे बात बताओ, आप में से कितने लोगों को लव कुश जैसे बच्चे चाहिए कि हमारे सबके बच्चे कैसे हो जाए लव कुश जैसे? हो जाए कि नहीं हो जाए? चाहते ना सब लोग, लेकिन हो क्यों नहीं रहे? हो क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारा आचरण राम जैसा नहीं है, क्योंकि हमारा शील सीता जैसा नहीं है। अगर हम अपने को राम की जो शिक्षा है, स्वयं भगवान परब्रह्म राम आकर के राम अवतार में एकदम नर्वत लीला कर रहे, जैसे साधारण मनुष्य का कैसा आचरण होना चाहिए, राम खुद सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे? राम सिखा रहे कि एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक माता को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए। ये बात रामायण में हम लोग सीखते हैं ना। जब हमारे जीवन से रामायण ही निकल गई, जब रामायण ही आउट हो गई, तो फिर कैसे हम लोग सुखी रह सकते, कैसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे लोग खुश जैसे होंगे? इतना भयानक समय आ रहा है माता जी। मैं तो खुद जॉब करती, मैंने देखा ऑफिस के अंदर में जिस तरीके का माहौल आ रहा है ना, आने वाले 30-40 साल के अंदर ये जो माहौल हम देख रहे हैं ना, ये ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। ये बहुत गंभीर विषय है, मजाक की बात नहीं, बहुत गंभीर विषय। अगर हम सोचे इसके ऊपर में कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जा रहे हैं, तो पता चलेगा हम आने वाली पीढ़ी को कीचड़ दे करके जा रहे हैं। क्या देकर जा रहे हैं? क्यों? हवा खराब, पानी खराब, लोगों का दिमाग भी खराब, लोगों का दिमाग भी खराब। इसीलिए अगर हमें सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे लव कुश जैसे हैं, हाँ, हमारा देश जो है वो महान देश बने, तो उसके पीछे क्या करना होगा? क्या करना होगा? हमें रामायण को हमारे जीवन में उतारना होगा, गीता भागवत के ज्ञान को हमारे जीवन में उतारना होगा। तभी देखो एक भजन है ना, आप सबने शायद सुना होगा, कैसे होगा लव कुश? कब हमारे बच्चे लव कुश होंगे? कब होंगे? जब नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते कि हाँ ठीक बात है ना? इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कि कृपया करके अपने बच्चों को रामायण गीता भागवत जितना आप कोशिश कर सकते खुद भी करो और बच्चों को भी कराने का प्रयास करो। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चे पूछते हैं कि ये क्यों करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए, हाँ, दुनिया भर के प्रश्न, दुनिया भर के आजकल के सीधा मुंह उठा करके कि क्या तुलसी, क्या तुलसी, तुलसी की पूजा क्यों करते हो तुम लोग? देखो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, तुलसी की पूजा करना, तुलसी को आंगन में रखना, परिक्रमा करना, शालिग्राम के साथ में विवाह करना, है ना, ये हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा। अभी कोई बच्चा साधारण सा थोड़ा पढ़ लिख करके साइंस के स्कूल में तो ये सब बातें सिखाते नहीं। कौन सा स्कूल है दुनिया में जो है ये सब बातें सिखाई जाती है? कुछ बातें सिखाई नहीं जाती। कैसे दुनिया में ठगना है, कैसे दुनिया में एक दो का 1, 2 का 4 करना, ये सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज के अंदर। कैसे माता पिता की रिस्पेक्ट करना, कैसे बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना, कैसे अपने धर्म का पालन करना, आचरण करना, कौन से स्कूल में सिखाते? कोई स्कूल में सिखाते नहीं। अब जो बात बच्चे स्कूल में सीखेंगे नहीं तो वो बच्चे फिर करेंगे कैसे? इसलिए हमारा दायित्व है जब बच्चे घर में हो तो उनको ये सब बातें सिखाना।
ये सब बातें उनको सिखाना चाहिए। ठीक बात बोल रहा हूँ ना मैं, सही बात बोल रहा हूँ ना? देखो जिस चीज की कीमत हम समझते हैं ना उसके लिए टाइम देते हैं ना। बच्चे जो है उनको तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे तुम खाना खा लो, फिर 3 से 4 तक ट्यूशन, फिर 4 से 5 तक ये वाली क्लास, फिर इतने से इतने समय तक खेलने जाओ, इतने से इतने समय तक एंजॉयमेंट के लिए भी रखते हैं ना एंजॉयमेंट के लिए भी समय कि बच्चे इतने समय तक तुम खेलो। और हम लोग हमारे लिए भी एंजॉयमेंट का समय रखते, कैसे? संडे को पिक्चर देखने जाएंगे। कई लोग रखते प्लान छुट्टी वाले दिन यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, एंजॉयमेंट हाँ थोड़ा आनंद करने जाएंगे। लेकिन साधारण तक आज इतनी विडंबना हो गई कि भारत जैसे देश में हम भारतीयों के बीच में कोई पूजा पाठ के लिए समय नहीं है, कोई नहीं रखता कि हाँ हम आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा समय रखेंगे। और बच्चों को भी बोलेंगे नहीं, सब कुछ छोड़ करके आधा घंटा तुम गीता पढ़ो, आधा घंटा रामायण पढ़ो। क्या कभी हम बोलते हैं? नहीं बोलते। जब हम ये बात बोलते ही नहीं तो फिर हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करेंगे? जब वो लव कुश का आचरण सुनेंगे ही नहीं कभी अपनी जिंदगी में, उन्होंने राम के बारे में जाना ही नहीं कि राम कैसे थे, तो राम की जो शिक्षा हम अपने जीवन में उतारेंगे कैसे? फिर तो जो कार्टून फार्टून जो दुनिया भर की चीज वो देख रहे हैं वो सब सीख जाएंगे। इसीलिए और दूसरी बात रही कि हमारे जो धर्म शास्त्रों में जो बात लिखी उसकी क्या प्रामाणिकता है, मैं आपको बता दूं, मैंने खुद रिसर्च करके देखा, आज तक दुनिया में अगर किसी भाषा का भाषा के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है तो वो कौन सी भाषा है बताओ आप? हाँ, संस्कृत। संस्कृत भाषा पर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है। जर्मनी के अंदर अकेले 200 ऐसे स्कूल हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ संस्कृत सिखाई जाती है, जर्मनी के अंदर। और हमारे बच्चे को क्या सिखाते हैं? जर्मनी, हाँ, जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, स्पेनिश। सारे डीपीएस स्कूल में संस्कृत आउट, स्पेनिश, फ्रेंच, जापानी सब सिखा रहे हैं। तो कैसे होगा ही नहीं। अरे अपने जो खुद की जो चीज है उसको छोड़ करके दूसरे के पीछे भागोगे तो दूसरे से आगे नहीं निकल सकते, उसके पीछे ही रहोगे। अगर तुम किसी के पीछे चलोगे तो उसके पीछे ही रहोगे, उसके आगे नहीं निकल सकते। ठीक बात है ना? अगर अपना लेकर के चलोगे तो हो सकता है आगे निकल जाओ। इसीलिए कोशिश करके बच्चों को सिखाना चाहिए। और रही बात तुलसी पूजा की, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी तो सारी बातों का प्रमाण है कि हम लोग ये क्यों करते हैं वो क्यों करते हैं। जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति में जितनी भी परंपरा चलती आ रही सबके पीछे बड़े बड़े कारण है, बड़े बड़े कारण है। जैसे मैं एक बता देता हूँ तुलसी जी का कि तुलसी जी की पूजा हम क्यों करते हैं। तो देखो तीन कारण है किसी भी काम को, भारतीय संस्कृति इतनी महान कि कोई भी काम करते हैं ना उसके पीछे कई कारण है। पहला कारण होता आध्यात्मिक कारण। आध्यात्मिक कारण मतलब कि तुलसी जी कौन है? तुलसी जी कौन है? स्वयं लक्ष्मी, वृंदा देवी, हाँ भगवान की सखी भी है, इसलिए वृंदावन में जाते हैं। वृंदावन क्या नाम है? वृंदा मतलब तुलसी, इसलिए तुलसी का वन। और क्या तुलसी की महिमा? पद्म पुराण में बताया कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी की परिक्रमा रोज रोज करे, क्या करे? तुलसी की परिक्रमा रोज रोज करे, तो उसमें बताया कि ब्रह्म हत्या का भी अगर पाप हो, ब्रह्म हत्या को बताया सबसे बड़ा पाप, अगर ब्रह्म हत्या का पाप हो वो भी माफ कर देने वाली है तुलसी जी। जैसे जैसे एक एक पग हम रखेंगे तुलसी जी सबको माफ कर देने वाली है। इसलिए श्लोक में बताया यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणक्षयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। एक एक पद पर तुलसी महारानी माफ करने वाली है। ये तो क्या कारण हो गया? आध्यात्मिक कारण कि हाँ हमें तुलसी जी की पूजा क्यों करनी चाहिए। दूसरा वैज्ञानिक कारण क्या है? देखो हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान वैज्ञानिकता को भी पूर्ण रूप से जानती है। बताते हैं कि तुलसी का जो पौधा होता है, सबने देखा है ना, तुलसी का जो पौधा होता है उसके अंदर ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया और नेगेटिव जो ओरा होती है, जो नेगेटिव जो एनर्जी होती है उसको नष्ट कर देने वाले। तुलसी के अंदर से ऐसे वाइब्रेशन निकलते हैं, हर एक पेड़ पौधा, हर एक मनुष्य आदमी, हर यहाँ तक मशीनें रखी हुई है, इनसे भी एक एनर्जी निकलती है। और आज के साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे मीटर्स भी बना लिए जो एनर्जी को देख सकते हैं, दिखा सकते हैं वो लोग, ठीक है। इसलिए जब तुलसी के ऊपर उस मीटर को रख करके देखते हैं तो तुलसी के आसपास में एक ऐसा माहौल बनता है, एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो हार्मफुल एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देती है। क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। इसीलिए बताओ हमारे भारतीय संस्कृति में तुलसी का पौधा कहाँ लगाने की परंपरा है? तुलसी कहाँ लगाते हैं?
जोर से बोलो आमेन। आंगन में लगा, देखो आप कितने बड़े वैज्ञानिक हो, अपने लिए जोर से ताली बजाओ। आप खुद इतने बड़े वैज्ञानिक हो, आपको ये बात तो पता है कि आंगन में लगानी चाहिए, लेकिन क्यों लगानी चाहिए नहीं पता। तो अगर हम ये सारी बातें जान जाए तो बच्चों को दो मिनट में सिखा सकते ना, उनके हर प्रश्न का उत्तर दे सकते। दूसरा बताया, तुलसी ऐसा पौधा जो जड़ से लेकर के और तुलसी का मंजरी तक सब कुछ औषधि है। क्या है? औषधि। अकेले तुलसी से ही 200 प्रकार की बीमारी का इलाज हो सकता है। अगर आपको जानना हो तो बाबा रामदेव की दुकान पे जाकर के पूछ लो, जाकर के एक बार पूछना, बोला बाबा रामदेव की दुकान में जाना या किसी भी आयुर्वेद की दुकान में जाना, बोला तुलसी क्या क्या कोई बीमारी ठीक होती है, वो इतनी लंबी लिस्ट दे देगा कि हाँ ये सारी बीमारी इससे ठीक होती है। सच बात बोल रहा हूँ ना मैं? तो ये वैज्ञानिक कारण हो गया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, देखो ये जो कारण मैं बताने वाला हूँ ना, इसके बारे में तो बड़े बड़े लोगों ने नहीं सोचा होगा कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है। मैं खुद हैरान हो गया इस चीज को जान करके कि तुलसी के अंदर क्या महत्व है। आप मुझे बात बताओ, साधारणतः भारत में किन पेड़ों की पूजा होती है, किन पेड़ पौधों की पूजा होती है? जहाँ तक मैं जानता हूँ नीम की होती है, पीपल की होती है, तुलसी की होती है ना, बट की होती है ना। देखो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, ये अब साइंस की बात है। कितने बच्चे स्कूल कॉलेज के बैठे हैं यहाँ पर, हाथ उठाओ। कितने बच्चे स्कूल कॉलेज से? अच्छे से। माता जी हाथ उठा रही स्कूल में, माता जी कितने लोग स्कूल कॉलेज? ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। देखो सारे के सारे पेड़ हमें क्या देते हैं, जोर से बोलो, ऑक्सीजन देते। क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और बाकी हम लोग क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बच्चों अभी तुम थोड़े जब बड़े हो जाओगे ना, जब 11 12th क्लास में आओगे, जब बायो लोगे 10th 9th क्लास में, तब आप जानोगे कि पेड़ दिन में तो ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन रात में पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हमारी तरफ, इसलिए हमारे भारत में बोलते थे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, बोलते ना रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात बताऊं क्या है, कि सारे पेड़ तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन केवल तीन पेड़ ऐसे हैं जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, एक तुलसी, एक नीम और एक पीपल। तो बताओ जो कोई पेड़ हमको दुनिया भर की औषधि दे रहा है, क्या दे रहा है? औषधि दे रहा है। उनकी पूजा करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, और दूसरे हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑक्सीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राणवायु। क्या बोलते हैं? जो प्राण देती है। अब सोचो, अब बच्चों को सिखाओ, देखो हम भारतीय लोग हैं, अगर किसी से कुछ लेते हैं तो उसका उपकार को मानते, क्या करते हैं उसके उपकार को। इसीलिए जो एक पौधा, छोटा सा पौधा हमको इतना कुछ दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है, इसीलिए हम उसको नाम करते हैं। बोलो बिंदा देवी तुलसी महारानी की। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। क्या है? छोटा सा उदाहरण। ऐसे कई उदाहरण है। आप लोग कभी देखो, होगा तो कोशिश करके आपके सारे बच्चों को, आप लोग सब आना और एक सेमिनार रख करके बच्चों को ये सारी बातें हम सिखाएंगे। क्या करेंगे? 3-4 दिन का सेमिनार में सारी बातें, कि हम गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है, गीता के अंदर आत्मा के विषय में जो बात लिखी है क्या वो एनर्जी से भी लिंक हो सकती है? क्या हो सकती है? बड़े बड़े साइंटिस्ट। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा ना, कई लोग ज्यादा करके जो साइंस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, साइंस, वो बोलते हैं भगवान कुछ नहीं होता, सब साइंस है। क्या है? सब साइंस है। सबसे बड़ा साइंटिस्ट आइंस्टीन हुआ आज। कौन हुआ? आइंस्टाइन। सबसे बड़ा साइंटिस्ट हुआ आइंस्टाइन ने ये बात बोली है। एक बार उसने क्या करा, बहुत बड़ी साइंटिस्टों की मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, उसके अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट आने वाले थे, और उनकी चर्चा का विषय क्या था, कि भगवान है कि नहीं, इस बात को बताना। सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी बात बताएंगे कि भगवान है कि नहीं, और उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट आने वाले थे, लेकिन मुख्य कौन था उनमें से? आइंस्टीन थे। मुख्य कौन थे? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या करा, एक दिन पहले आ गए, जहाँ पर वो मीटिंग होने वाली थी अमेरिका में, एक दिन पहले आ गए। जैसे ये गेट है ना हॉल में आने का, उस गेट के ऊपर उन्होंने एक अर्थ का मॉडल बनाया। क्या बनाया? एक अर्थ का मॉडल। अर्थ का मॉडल समझते हो, प्रिंसिपल के ऑफिस में जो ग्लोब रखा होता, एक अर्थ का मॉडल बना दिया, उसके अंदर पेड़ पौधे लगा दिए, नदी बना दी, चिड़िया बना दी, जैसे बनाते हैं नकली बना दिया। और जब सब लोग मीटिंग में आ रहे ना, तो सब लोग देख रहे हैं कितना सुंदर बनाया, किसने बनाया, सब बात कर रहे हैं, और आके अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अब क्या हुआ? सभा चालू हुई।
सब लोग अपनी अपनी बात बोलने लग गए कि नहीं कुछ नहीं है, जो थे अभी जो एक साइंटिस्ट बना उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया, क्या नाम था, स्टीफन हॉकिंस ने बोला कि बिग बैंग थ्योरी उस समय नहीं आई थी, क्या आई थी, बिग बैंग थ्योरी उस समय पे नहीं आई थी कि धमाका हुआ और सारी चीजें बन गई, क्या हुआ, एक धमाका हुआ और ये सारे विश्व ब्रह्मांड बन गए, ये उसकी थ्योरी है साइंटिस्ट की। अब जब सब साइंटिस्ट आकर के अपनी अपनी बात बोल रहे थे, अब सबसे एंड में माइक किसको मिला, आइंस्टीन को मिला, सबसे बड़े साइंटिस्ट को। जब आइंस्टीन ने हाथ में माइक लिया ना, उसने बोला कि आप में से कितने लोग जब गेट से इस हॉल में घुस रहे थे देखा कि बाहर एक मॉडल रखा हुआ था जिसमें पेड़ पौधे धरती बनी हुई थी, आप में से कितने लोगों ने देखा, तो सारे के सारे जो साइंटिस्ट लोग आए हुए थे सबने हाथ उठाया कि हाँ मैंने देखा, मैंने देखा। तो उसने बताया क्या बोला, वो किसी ने नहीं बनाया,